कला और विरासत के क्षेत्र में काम करता है। इस सभागृह में बैठे हुए अनेकों लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हमने बात छेड़ी थी तो लखनऊ से भी एक हमारे बीच हमारी रिलेटिव ही हैं, श्रीमती सरिता वर्मा जी भी बैठी हैं पीछे। मैं उनका आभारी हूँ कि हमारे निमंत्रण पर, ये उनकी रुचि है कला संस्कृति की। तो उदयपुर यहाँ से करीब 1.25 घंटे की दूरी पर है और उसकी पूरी गाथा सुनने के लिए आज हम आपके बीच में हैं। मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है क्योंकि मैं खुद एक श्रोता के रूप में आपके बीच में आया हूँ, पर आगे आने वाले समय में हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है। इतनी ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नमस्कार। हम लोग उदयपुर के खंडहरों पर ऐसे ही साथ में घूमे। मेरा नाम विजय मनोहर तिवारी है और मैं कुछ लिखता हूँ और देश भर में घूमता रहता हूँ, और डॉक्टर सुरेश मिश्र मेरे साथ हैं और हम दोनों 2 साल पहले ये तय किया हम लोगों ने कि हम मध्य प्रदेश के 10 से 20 ऐसे स्थानों पर एक हेरिटेज वॉक करें जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते हैं, या जो बहुत लोकप्रिय स्थान हैं वहां ऐसी जगह हैं जहां लोग नहीं जाते हैं, और वहां से हम कुछ नई कहानियां, कुछ नए किस्से, कुछ नए इतिहास जो दस्तावेजों में हैं वो सब लेकर आएँ और एक कोशिश करें कि हम कुछ लिखें, नए सिरे से देखें चीज़ों को। मैं इसी 2 साल के दरमियान ये जो उदयपुर नाम की जगह है, यहाँ से 150 इतिहास की बात अगर हो तो बहुत कम हमें अपने परिचय हैं, हम बहुत गहरे अपरिचय की स्थिति में हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो आपसे खूब बात करना चाहती हैं, अपने बारे में बताना चाहती हैं, जो दरअसल हमारा ही परिचय है। अगर कोई हज़ारों साल पुरानी चीज़ें वहाँ हैं कहीं भी, तो वो दरअसल हमारे ही पुरखों का परिचय है, वो पुरखे हमारा परिचय दे रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत गहरे अपरिचय के कारण इन सब चीजों से बेपरवाह रहते हैं। तब ये जो हेरिटेज वॉक का हमारा प्लान था, ये शुरुआत हमने 2021 में 3 जनवरी को उदयपुर से की। हमारी कल्पना के परे था कि ये कहानी कुछ ऐसी होगी, और हम दूसरी जगह जाने वाले थे मार्च में, 13 मार्च को वो डेट तय हो गई थी। बुंदेलखंड के 5-6 जगह हमारी तय हो गई थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो इंटेक की जानकारी में, संज्ञान में उनके उपाध्याय जी के आया, अभी जिन्होंने अपनी बात कही MM उपाध्याय साहब, इनके संज्ञान में आया, तो इन्होंने इस पर एक बैठक की। और जब ये सारा एक्सपीरियंस हमने शेयर किया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी कहानी है जो और लोगों के बीच में भी चर्चा जिसकी होनी चाहिए। तो फिर ये कैसे चर्चा हो, अब ये ऐसी चीज़ है जिसमें दृश्य हैं, केवल बात नहीं है कि हम यहाँ खड़े हो के आधा घंटा भी बोल सकते थे, लेकिन वो शायद बात बनती नहीं। मैं पहली बार कोई प्रेजेंटेशन इस तरह से कर रहा हूँ, ये मेरी पहली ही है, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो मैं दरअसल 20-22 साल से कुछ इतिहास में भटकता हूँ दस्तावेजों में, और दस्तावेजों में जो मैं पढ़ता हूँ तो मैं उन स्थानों पर भी जाने की मैंने कोशिश की है, और मैंने बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों से लेकर दूर दक्षिण के विजयनगर के जो अवशेष हैं 20 किलोमीटर में फैले हुए, यहाँ जो हमारी सुख दुख की कहानियाँ हैं, मैंने वहाँ जाकर वो सब सुनने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। तो मैं इतिहास में एक भटकता हुआ एक निर्धन सुदामा था, और उसको एक जैसे कृष्ण मिल गए। तो ये शुरुआत हमने उदयपुर से की क्योंकि वो हमारे सबसे पास में है, और ऐसी कहानियां पूरे देश में, पास दूर में आप जहां के भी हैं वहां फैली हुई हैं। और इसकी जब सोशल मीडिया पर ही इसका कुछ प्रचारित किया, ये जो प्रेजेंटेशन है ये सोशल मीडिया की बहुत सकारात्मक शक्ति का जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। आप देखेंगे कि कोई खबर, छोटी सी फोटोग्राफ जो ट्विटर पर डाला है वो क्या असर करता है इसमें। तो ये हमने उदयपुर से इसको शुरू किया है।
अभी वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कुल मिलाकर यहाँ हम 42-45 फ्रेम हैं, उसके माध्यम से हम उसकी कहानी कहेंगे। और इन दो महीनों का जो जो अनुभव है इसके बारे में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मिश्र थोड़ा सा बताएं उदयपुर के बारे में, जब हम लोग वहाँ गए हैं। ये जो उदयपुर का भ्रमण है, एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा है मेरे लिए, इतिहास की नज़र से भी और एक नागरिक की नज़र से भी। सारी बातें अभी आपके सामने पेश होने वाली हैं, दो मिनट में ये कहना चाहूँगा। जो चाहते हैं कि उदयपुर जाना, केवल उदयपुर जाने के लिए ताकि भी हम लोग मंदिर देखें कि लौट आएंगे, और मंदिर बड़ा खूबसूरत है, अपने ज़माने का बहुत बढ़िया मंदिर है वो, लेकिन मंदिर तक तो ठीक है, लेकिन मंदिर के बाद जब हम निकले तो हमारे चौकने की बारी आई। हम मंदिर के बाहर के जो खंडहर थे उनको जब देखने निकले तो फिर ये सारा जो आप देख रहे हैं उसके कारण है, मंदिर के कारण केवल नहीं है। मंदिर तो बहुत प्रचारित है, लेकिन जो अप्रचारित है, जो पता नहीं है, उसको देख कर हम लोग चमत्कृत हुए, चिंतित भी हुए और लगा कि कुछ किया जाना चाहिए। वहाँ आगे बढ़े तो पीछे एक राजमहल था, किसी का भी राजमहल है वो, ठीक है राजमहल है, तो उदयादित्य का राजमहल था, देखा हम लोगों ने। लेकिन जब राजमहल के आसपास हम गुजरे तो वहाँ चार दीवारी थी 1000 साल पुरानी, और चार दीवारी में एक हिस्सा टूटा हुआ था जिसमें लोहे का गेट लगा हुआ था। उस लोहे के गेट के पास एक बोर्ड लगा था, निजी संपत्ति, 3 नाम थे, उनके फ़ोन नंबर थे, ये चौंकाने वाली बात। वहाँ से हमारा एक सफर तेरे मानसिक सफर शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है, और तब लगा कि नहीं पूरा कस्बा हम देखें। जब कस्बा आगे बढ़े देखने के लिए तो लगा कि जितने अवशेष हैं ज़्यादातर ऐतिहासिक हैं, किसी में मकान है, किसी में घोड़ी, किसी में मवेशी बांधी जा रही है, किसी में दुकान है, और तब लगा कि ये मामला छोटा नहीं है। अगर राजमहल पर अतिक्रमण की बात होती है, राजमहल अगर निजी संपत्ति घोषित हो सकता है सरकारी संपत्ति होने के बावजूद, तो बाकी का क्या होगा। तो ये केवल दुखद कहानी उदयपुर की नहीं है कि ऐतिहासिक अवशेषों पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन भी आँखें मूंदे हुए हैं, विभाग भी आँखें मूंदे था, और बाकी जो जिले के अधिकारी वो भी आँखें मूंदे हुए थे। तो लगा कि नहीं, हम लोगों से मिले, मीडिया से मिले, लोगों को जगाएं और कहें नहीं भाई, हमको अपनी विरासत की रक्षा खुद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। और आगे क्या हुआ ये आगे बताएंगे। शुक्रिया। तो हम आपके बीच आते हैं और इसके पहले फ्रेम से हम शुरू करते हैं। ये एक जिज्ञासु और एक जानकार की जुगलबंदी है उदयपुर में। लाइट ऑफ करेंगे, जब उदयपुर की बात हम कर रहे हैं तो ये केवल एक गांव में फैले हुए ऐतिहासिक स्मारकों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे राजवंश की कहानी है जिसने 300 साल लगभग इस इलाके में राज किया, और जिनके महत्वाकांक्षी राजाओं ने गोदावरी नदी के पार दक्षिण दूर तक अपनी राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं को उजागर किया, और इधर उत्तर में कन्नौज तक वो गए। आज इसकी चर्चा केवल कुछ ताजे घटनाक्रम के कारण है, और उदयपुर जिस नाम से है वो राजा उदयादित्य के नाम से है। ये परमारों का इलाका था 10वीं, 11वीं, 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। कोई जनजातीय संग्रहालय के यहाँ है करता धरता? उदयादित्य जो है वो राजा भोज की अगली कड़ी में आते हैं, और इस बड़े राजवंश के 11वीं पीढ़ी के शासक हैं ये पूरे परमारों के। इनकी राजधानी हम सब जानते हैं कि पहले उज्जैन में थी, दूसरी फिर वो राजा भोज उसको धार लेकर गए, और आखिर में जब उनका पराभव हुआ तब वो मांडू से राज कर रहे थे, जिसका उस समय नाम था मंडप दुर्ग। अब उतनी ये उदयपुर से क्या लेना देना हो सकता है परमारों का? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राजा के नाम से उनकी ये सरहद थी, यहां से दूसरे राज्य की सीमा शुरू होती थी, तो मुझे लगता है कि उदयादित्य जो हैं वो अपनी युवावस्था में यहाँ के सामंत रहे होंगे, ऐसा उस समय होता था। और ये रॉयल फैमिली की एक ट्रेनिंग प्रोसेस का भी हिस्सा होता था कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक मगध के सम्राट होने के पहले उज्जैन भेजे गए थे अपने पिता के समय, बिंदुसार के समय। तो उदयपुर मुझे लगता है कि जिस तरह के वहां महल और अन्य पूरा फोर्टिफाइड सिटी है वो दुर्ग के अंदर
पूरा विकसित रहा, एक भरा पूरा शहर है, और परमार जो थे वो अपने अद्भुत स्थापत्य के लिए भी जाने गए। आज उनका जो स्मरण है वो उनकी उन युद्धों के लिए नहीं है जो उन्होंने दक्षिण तक किए और उत्तर में कन्नौज तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने जो कुछ समाज को दिया, ज्ञान और विज्ञान की जो तमाम शाखाएं उन्होंने विकसित की, अद्भुत निर्माण कार्य कराए, और साहित्य और तमाम जो विधाएं हैं उनके सृजन में जो योगदान दिया है उसकी वजह से है। तो उदयादित्य की ये सीट रही होगी निश्चित रूप से, अन्यथा वहां इतने बड़े महल और वो सब होने का कोई औचित्य नहीं था। ये हम दोनों का 3 जनवरी के बाद का जाने का वहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ। ये उदयादित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। हम जानते हैं कि 1010 में, ईसवी सन 1010, हम अभी 2021 में बैठे हैं, आप जरा टाइमलाइन में इसको चेक करते हुए चलेंगे तो 1010 में राजा भोज का कार्यकाल शुरू होता है और वो लगभग 1055 में उनका निधन हुआ है। उसके बाद एक जयसिंह देव नाम के उनके उत्तराधिकारी हुए हैं जो बहुत जिनके कई शिलालेख भी हैं, और उनके बाद उदयादित्य का नंबर आता है, महाराज उदयादित्य का। तो ये इनकी जैसे इसमें वर्णन आया है कि उनकी 2 रानियां थीं, एक सोलंकी थी और दूसरी बाघेली थी। ये डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने ये सारा रिसर्च करके इसमें हमें उपलब्ध कराई हैं ये जानकारियाँ। तो सोलंकी रानी से एक जगदेव और छोटी बघेली रानी से लक्ष्मणदेव और नरवर्मन देव, इन सब के रिश्ते अब यहाँ के तमाम इलाकों से हैं। नरवर्मन देव का बनाया हुआ विदिशा में बहुत भव्य मंदिर था। तो इस तरह से ये 1086 तक उदयादित्य के होने की हमारे पास प्रमाण है कि 1086 तक उन्होंने रूल किया है, और उदयपुर का जो भव्यता है ये सब इन्हीं के खाते में आती है। वैसे ये पूरे परमारों की एक परंपरा थी। अब हम जब 3 जनवरी को वहाँ से लौटे हैं, अब यहाँ से ये सोशल मीडिया की जिस शक्ति की मैंने बात की है, ये छोटा सा फ्रेम उसके लिए है। हमने 5 जनवरी को, मैंने पहला अपने फेसबुक पेज पर, मुझे कोई 50-60 हज़ार लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में अभी मिश्र जी ने बताया, ये पहली पोस्ट मैंने फेसबुक पेज पर लिखी। मैंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और फेसबुक पेज पे मैंने ये एक पोस्ट लिखी जिसका शीर्षक वही लिखा जो वहाँ साइन बोर्ड पर हमको उस राजमहल के खंडहरों पर टंगा हुआ दिखाई दिया था। उस पर लिखा था उदयपुर पैलेस खसरा नंबर 822 निजी संपत्ति, और 3 उसमें कोई फोन नंबर लिखे हुए थे, तो इस और उसमें कुछ नाम भी लिखे हुए थे। तो ये पूरी पोस्ट थी जो मैंने 3 जनवरी को शाम के 8:40 पर, उसमें टाइम है, ये मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसको अपलोड किया। और ऐसी फिर अलग अलग दिन जो घटनाक्रम वहां जिस तेजी से हुआ है जिसकी फ्रेम हम आगे देखेंगे, फिर मैंने उन तारीखों में वो लिखा है, और नीचे वो संख्या है जितने लोगों ने ये आर्टिकल मेरे पेज पे आके इसको पढ़ा और उसको देखा। ये ऐसी करीब 7-8 दिन तक मैंने लगातार ये पोस्ट की हैं और ये लगभग 60-70 हज़ार लोगों ने पढ़ी। सोशल मीडिया से कुछ अखबारों की नज़र इस पर गई और उन्होंने मुझसे बात की और पूछा कि ये माजरा क्या है, तो वो समझाया उनको कि ये माजरा क्या है। तो कुछ अखबार ऐसे थे जिन्होंने इसको ज्यों का त्यों उसको आधे पेज में पूरे पेज में छापा। तो ये सोशल मीडिया से ये चली गई बात अब मेन मीडिया तक। अब मैंने इस लिंक, इस ये फेसबुक पेज की जो लिंक है, ये मैंने व्हाट्सएप पर, अब मैंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप पर, मैंने उसकी लिंक दिल्ली, भोपाल, इंदौर, मुंबई और यहाँ तक कि विदिशा के अखबारों में काम करने वाले उन पत्रकारों को भेजी जो मेरी 20-25 साल की पत्रकारीय यात्राओं में मेरे साथ आए हैं। तो उनको मैंने 55-60 लोगों को वो लिंक भेजी, उसमें से कई आज हमारे बीच में यहाँ हैं, अभिलाष खांडेकर जी हैं, अजीत बडनेरकर हैं, गिरीश उपाध्याय जी हैं, सभी मित्रों को मैंने ये लिंक भेजी। और ट्विटर पर ये 3 फोटोग्राफ मैंने डाले। ट्विटर पे बहुत, आप सब जानते हैं कि एक समय उसकी शब्दों की सीमा होती है, 150 शब्दों से ज़्यादा का उसमें हम नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने ये 3 फोटोग्राफ, ये सिर्फ रास्ता चलते हुए हमने लिए थे, हमारा कोई उसमें मंतव्य नहीं था कि, लेकिन जब हम यहाँ से गुजरे इस महल के अंदर के खंडहरों से होके बाहर आए और इस कवर्ड कैंपस से जब हम बाहर निकले, तो आप वो सामने तीसरे फ्रेम में देख रहे हैं वो बुर्ज, ये पूरे किले की एक लंबी और ऊंची दीवार है। उस दीवार को आप बीच में आइए, आप तो बीच में तोड़ा गया है,
उसमें सीमेंट का एक फ्रेम बनाया गया है। ये बिल्कुल 10वीं सदी का सीमेंट नहीं है, ना ये दरवाजा 11वीं सदी का है, ये अभी अभी लगाए हुए हैं। बगल में एक साइन बोर्ड एक पुराने पत्थर के दरवाजे को जो बंद है उसके ऊपर टंगा हुआ है, उसका क्लोज शॉट ये पहले फ्रेम में है, जिसकी हेडलाइन निजी संपत्ति उदयपुर पैलेस खसरा नंबर 822। ये तीन फोटो मैंने प्राइम मिनिस्टर को, मैंने चीफ मिनिस्टर को और टूरिज्म मिनिस्टर को, तीन शख्सियतों को मैंने ट्वीट किए, और ये 60-70 लोगों ने, आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे तो 60-70 लोगों ने रीट्वीट किए हैं उनको। तो अब ये बात वहां खत्म हुई। इसके बाद जो मैंने अपने पत्रकार मित्रों को जो इसकी लिंक भेजी थी, तो विदिशा में एक रिपोर्टर हैं, उनकी नजर इस पे पड़ी और उनको लगा कि एक हिस्टोरियन और कोई एक इतिहास के जानने वाले जो लिखते हैं उनकी यात्रा यहाँ हुई है, तो उन्होंने हमको फोन किया। हमने उनको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हमने देखा है, और वो काफी डिटेल मैंने अपनी पोस्ट में लिखी है। उसने ये खबर पहली वहाँ अखबार में ब्रेक की, ये विदिशा एडिशन तक सीमित समाचार है, ये भोपाल तक पहली बार चर्चा में आए हैं, तो ये खबर उन्होंने छापी। और वो तीनों फोटोग्राफ उन्होंने वही लिए जो मैंने ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप पर उसकी लिंक मैंने डाली थी। तो यहाँ से स्थानीय स्तर पे ये पहली बार पता चला कि ऐसा कोई महल है जिस पर निजी संपत्ति का कोई घोषणा पत्र वहां टंगा हुआ है। हमने इसमें कोई आपत्ति नहीं ली, कोई टिप्पणी भी नहीं की, केवल एक सूचनात्मक जो हमने देखा वही लिखा। और अब यहां से ये सिर्फ रिपोर्टर ने, पहला एक बंदा था ये जो 70 किलोमीटर विदिशा से अपनी बाइक पे सवार होके और ये उदयपुर तक पहुंचा और उन खंडहरों में वहां तक गया जहां हम भी नहीं गए थे। वो कई सुरंगों में घुसा, कई ऐसे टूटे फूटे जहां बड़ा जाने में डर लगे, कभी इनकी सफाई ही नहीं हुई है, और यहां आके लगता ही नहीं है कि हम 15 अगस्त 1947 नाम की कोई तारीख है जो भारत से गुजर गई है, यहां सदियों का अंधेरा वैसे ही है। तो ये बंदा वहां ये गया और उसने 4 घंटे पहली बार 1000 साल पुराने उस राजमहल के खंडहरों को उन कोनों में जाकर शूट किया, पहली बार वीडियो पर उतारा, और उसने ये पत्रिका अखबार में काम करते हैं गोविंद सक्सेना, एक अखबार में ये खबर लिखी और उनके जो YouTube चैनल पर और Facebook पर ये है, लगभग 1 लाख लोगों ने उदयपुर की इस वीडियो को देखा है। इस तरह से ये पता चला कि वहां अंदर क्या चल रहा है। अब जब ये सब हुआ तो अचानक से, जैसा कि होता है कि प्रशासन के लोग जाते हैं क्योंकि अब उनको भी जवाब देना है, तो कुछ लोग वहां आपको दिख रहे हैं एक तस्वीर में, ये तस्वीरें सब हमको गंज वासोदा से ही प्राप्त हुई हैं, जहां के 10-12 लोग अभी आए हैं, प्रवीण शर्मा हैं, गगन दुबे हैं, सौरभ हैं, ये सब लोग यहां आए हुए हैं। तो उन्होंने ये फोटो हमको भेजे कि ये देखिए वहां कुछ लोग गए हैं, तहसीलदार गए हैं, पुलिस के साथ गए हैं। तहसीलदार जब वहां गए तो एक कैमरा टीम लोकल वहां पीछे गई, लेकिन इसके पहले विदिशा में जब ये कवरेज हुआ तो विदिशा में कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, वो उनको उनको जागृति हुई, और अगले दिन उन्होंने वहां एक 25-30 लोगों ने बैठक की और अगले दिन एक ज्ञापन वहां के कलेक्टर को सौंपा कि देखिए ऐसा है तो उसकी एक पड़ताल होनी चाहिए कि ये क्या है, निजी संपत्ति है क्या है। तो फिर ये मूवमेंट वहां हुआ और तहसीलदार का एक वीडियो भी मुझे किसी ने भेजा था जिस पर पता ये चला कि साहब वो निजी संपत्ति नहीं है, सरकार के रिकॉर्ड में तो वो सरकारी संपत्ति है, और कल किसी ने एक निजी संपत्ति का साइन बोर्ड यहाँ टांग दिया था जो हमने आज उतार लिया है। ये उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज हम सबको दी कि कल किसी ने टांग दिया था, आज हमने उतार लिया है। ये घटनाक्रम जब हुआ तो देखिए, जो मैंने कहा कि मैंने दिल्ली के कुछ मित्रों को और तमाम लोगों को इसकी लिंक भेजी थी, एक बहुत पॉपुलर पोर्टल है ये ऑफ इंडिया, आप सब इसके जानते होंगे, ये अजीत भारती उसके एडिटर हैं, और उन्होंने 50 मिनट उदयपुर के इस प्रसंग पर लाइव अपने YouTube चैनल पर किया है जो 37,000 लोगों ने देखा ये वीडियो। तो इस तरह से ये बात धीरे धीरे, ये मसला फिर धीरे धीरे सब दूर इसकी चर्चा हुई है। समाचार अड्डा एक YouTube चैनल है जिसमें अंकित शर्मा और सौरभ कुमार ने फिर उदयपुर जाके कई सारे वीडियो डाले। ये 15 दिन पुराना फिगर है, लगभग 15,000 लोगों ने इनके जो अपडेट उदयपुर के जारी किए हैं वो लोगों ने देखे हैं। अब देखिए कि
तहसीलदार ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि हमने इसको मौका दिया है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, साइन बोर्ड हमने हटा दिया है और इनको एक सुनवाई का मौका दिया है जो एक प्रशासन की विधिवत प्रक्रिया होती है कि आपकी निजी संपत्ति अगर है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास में तो वो पेश करें। तो 18 जनवरी उसकी एक तारीख तय हुई। 18 जनवरी को मुझे बासोदा के ही मित्रों ने जो आज यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने मुझे एक ये पहला फ्रेम जो है इसमें पढ़ने में नहीं आ रहा है लेकिन मैं बताऊंगा उसमें मजमून क्या है। ये उनकी तरफ से ये पेश किया गया कि ये हमारी निजी संपत्ति है। तो तहसीलदार जब 2021 के भारत में प्रशासन का एक अफसर जाके ये पूछ रहा है तो वो बंदा जो अपनी निजी संपत्ति क्लेम कर रहा था वहां वो सीधा जहांगीर के दरबार में पहुंच गया वहां से उठ के, और उसने जहांगीर के समय का एक कोई फरमान जो फारसी में कभी उनके यहाँ जारी हुआ होगा उसका 2008 में उन्होंने इसका हिंदी तर्जुमा कराया होगा और उसको नोटरी से उसकी सील साइन है, ये उन्होंने तहसील में पेश किया। इसका मजमून तो और ज्यादा चौंकाने वाला था और हम सबको ये झिझोड़ने वाला है, नींद हराम करने वाली डिटेल्स हैं ये। इसका मजमून ये था कि यहाँ औलिया अब्दुल समद नाम के कोई सज्जन महापुरुष होंगे और उनके समय इसकी संगे बुनियाद उदयपुर में रखी गई है, एक कोई मस्जिद है जो बहुत दूर है उसके बारे में और महल के बारे में, और उन सज्जन का ये दावा था कि 84 गांव की काजियात हमको यहाँ मिली थी उदयपुर में और ये नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह के समय का है और वो इंतकाल जब फरमा गए तो जहांगीर बादशाह जो शाहजहां हुए हैं उनके बेटे वो उदयपुर आए हैं और उन्होंने यहाँ विजिट किया है, तब से ये हमारे पास था 84 गांव की काजियात। अब मैं यहाँ प्रबुद्ध जन सब बैठे हुए हैं मैं जानना चाहता हूँ कि ये काजियात क्या होता है, एक एक शब्द पर जाएंगे तो वो पासवर्ड की तरह होते हैं और बहुत सारे प्रिंट आउट हमको दे देते हैं। काजियात इस्लामिक रूल में एक ऐसा विभाग होता है जो शरिया कानून को लागू करता है, इस्लामी कानून को लागू कर रहा है, एक काजी वहां बैठ रहा है, काजियात डिपार्टमेंट का हेड है वो, और 84 गांव में अब वो शरिया कानून के लिए लागू करने को बैठा है, ठीक है। तो काजियात उनको दी गई, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद वो बादशाह ये फरमान कर रहे हैं कि यहाँ जो भी वो एक मस्जिद वहां दूर है कचहरी कहते हैं उसको, वो परमारों की कभी कचहरी रही होगी, यहां जो भी नमाज करेंगे वो हजरत फिरदौस मकानी को फातिहा की दुआ में याद फरमाएंगे और वर्तमान बादशाह के लिए दुआ करेंगे, हिजरी सन 1041 10 जिलहिज्जा, ये उसकी तारीख है। अब मैंने बहुत लोगों से पूछा, जिसने मुझे ये भेजा था उनसे पूछा, मैंने कुछ अधिकारियों को फोन करके पूछा कि ये हजरत फिरदौस मकानी जिनके लिए फातिहा की दुआ में याद रखने का फरमान इस मस्जिद में नमाज करने वाले हर व्यक्ति के लिए दिया गया है तो ये हजरत फिरदौस मकानी कौन है। तो मुझे गंजबासुदा से विदिशा तक, विदिशा से मैंने यहाँ भी कई लोगों को पूछा तो कोई ये नहीं बता पाया कि ये हजरत फिरदौस मकानी कौन है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हजरत जो फिरदौस मकानी है ये बाबर का टाइटल है, बाबर का नाम है, जैसे जहांगीर जो है वो कोई नाम नहीं है, ये टाइटल है, अकबर के बेटे सलीम का टाइटल है, जब वो शपथ लेता है सिंहासन पे बैठता है तो उसको जहांगीर की उपाधि मिलती है और जहांगीर के नाम से हम जानते हैं। उसका जो बेटा है खुर्रम जिसका नाम है जब वो कुर्सी पे आता है तो उसकी टाइटल होती है शाहजहां, सारे जहां का शाह, तो वो टाइटल है। ऐसे फिरदौस मकानी जो है वो बाबर का टाइटल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने 84 गांव की काजियात और इस राजमहल पर अपने कब्जे को वैध सिद्ध करने के लिए अगर ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां जो नमाज कर रहे हैं वो बाबर के लिए दुआ कर रहे हैं, यही फरमान है उसमें जिसका मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी सी चौंकाने वाली बात थी कि ऐसा कुछ चल रहा है और हमें पता नहीं है। अगर ये ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम ये कहें तो ठीक है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ये हजरत फिरदौस मकानी पे जब मेरा ध्यान गया तो मेरा ध्यान इस पे गया कि फिर हजरत फिरदौस मकानी का उदयपुर से क्या लेना देना है, जो उदयादित्य महाराज के करीब करीब कितने सालों बाद हुए। हजरत फिरदौस मकानी जो है ये 551 साल के बाद लगभग हुए, 448 साल के बाद, तो चंदी इनका उदयपुर से क्या लेना देना है। तो इसके एक शीर्षक पे मेरा ध्यान गया, कागजात कस्बा उदयपुर
महल कस्बा उदयपुर और अंदर उसकी जो स्टेट है वो लिखी है सूबा चंदेरी। इसका मतलब ये हुआ जैसे आज के भारत में उदयपुर एक 8000 की आबादी की एक उदास किस्म की बर्बाद ग्राम पंचायत है जहां एकदम मूर्छित अवस्था में जैसे लोग रहते हैं। तो ये मुगल काल तक आते आते ये चंदेरी स्टेट के अंदर एक छोटा सा कस्बा कहीं रह गया है पीछे। अब उसकी सारी बदल गई है भौगोलिक स्थितियां, प्रशासकीय स्थितियां। उदयपुर अपने परमारों के समय एक वैभवशाली शिक्षा का, ज्ञान का, स्थापत्य का केंद्र रहा होगा, लेकिन राज सत्ताएं जैसे जैसे बदली तो ये धीरे धीरे ये चंदेरी सूबे के अंडर में आ गया। चंदेरी सूबे के अंडर में आ गया तो अब बाबर का कनेक्शन में ढूंढ रहा हूं कि उदयपुर से महाराज इनका क्या संबंध है जो इतना बड़ा फरमान यहां दे रहे हैं कि इनकी दुआ यहां 5 बार की जाए जो भी यहां आए। तो बड़ा मैं बाबरनामा में गया जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था और उसमें मुझे 29 जनवरी 1528 का एक फ्रेम मिला बाबरनामा में। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबर खुद दर्ज करके गए हैं जो चंदेरी पधारे हैं 29 जनवरी 1528 को। मध्य प्रदेश की मानचित्र पर चंदेरी अकेली ऐसी जगह है जहां बाबर का डायरेक्ट अटैक है। वो अपने ये उसके वर्ड है, यहां राजा मेदिनी राय का शासन था जो बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ युद्ध के मैदान में थे। बाबर ने लिखा है कि चंदेरी में 4 से 5 हजार काफिरों के साथ राजा मेदिनी राय रहते हैं। युद्ध हारने पर काफिरों के सिरों की मीनार चंदेरी के उत्तर पश्चिम में बनवाई गई है। इसके बाद कस्बा उदयपुर चंदेरी सूबे के मातहत हो गया। और फिर वो जिस मस्जिद के बारे में वर्णन है जहांगीर के समय की, वो 1632 में वहां बनी। तो ये उसका बाबर के साथ कनेक्शन। तो मैंने जो अपनी फेसबुक पेज पे जो लिखी है उनकी लिंक, उसमें एक का शीर्षक ये था कि उदयपुर में बाबर के लिए दुआ, डूब मरो, ऐसा एक उसकी पोस्ट थी। वो भी 10-12 हजार लोगों ने उसको पढ़ी। फिर ये इस संपत्ति के दावे के पक्ष में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को, जो एक ही पेज का इतना ही था, जाहिर है कि वो तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो प्रशासन ने उसको ससम्मान लौटा दिया और उसको सरकारी अधिपत्य में लेने के लिए बेदखली का आदेश, रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक जो बेदखली का आदेश है इसका पीछे है। तो वो उनको जारी किया और फिर जिन्होंने अपना कब्जा वहां, ये दूसरा जो कब्जा नाजायज है, ये जो बेदखली का आदेश है ये 2021 का शायद 18 जनवरी की तारीख है, जिसमें उनके इस दावे के दस्तावेज को अवैध नाजायज मान के सरकार ने उनको कब्जा हटाने का ये जारी किया। और उसके बाद फिर उनको एक डेडलाइन मुकर्रर की, उसके पहले वो वहां से उन्होंने अपना सामान जो भी था समेटा। एक नई जानकारी इसमें ये मिली क्योंकि उस दिन हम जब डॉक्टर मिश्रा और हम वहां थे तो वहां बताने वाला कोई नहीं था कि यहां कौन साहब रहते हैं, कब से रहते हैं, लेकिन लग रहा था कि ये बहुत बरसों के निर्माण हैं, कब्जे हैं। तो एक दिन वो मुझे वहाँ के किसी अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया कि वो लोग जो डेडलाइन उनको दी थी उसके पहले ही वो वहाँ से चाबियाँ अपनी देकर चले गए कि हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं, अगर सरकार ऐसा समझती है तो ये सरकार को हम इसका कब्जा सौंपते हैं। जाने के पहले उन्होंने एक नई जानकारी और दी कि साहब हम यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ तो एक मदरसा चलता है। तो ये भी पता चला कि एक तालीम का एक इदारा ये बन रहा था धीरे धीरे। तो इस तरह से ये वो सीन है जहां उन्होंने लिया। अब उदयपुर में क्या है मंदिर की प्रसिद्धि, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। मैं एक बार वहां गया तो मुझे एक जर्मनी की एक महिला वहां मिली और उसके साथ उसका पति भी वहां थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, भारत आए हैं तो आपको तो ताजमहल और कुतुब मीनार में होना चाहिए, इस गांव का परिचय किसने दिया। तो वो हिस्ट्री उसका विषय था, एक राइटर थी वो, उसने कहा कि मैं ऐसे पॉपुलर प्लेस में नहीं जाती हूँ, जो लोकप्रिय स्थान है मैं वहां नहीं जाती हूँ, और मैं हिंदुस्तान के दूर दूर इलाकों में जो बहुत अल्प ज्ञात स्थान है वहां मैं जाती हूँ। हेमंत जी दिख रहे हैं शायद मुझे, अगर मेरी नेत्र ज्योति ठीक है तो मैं उदयपुर बहुत समय से मैंने इसको सर्च कर रखा था और इस बार मेरे हस्बैंड भी साथ में आए हैं
तो वो किसी सब्जेक्ट दूसरे थे तो उनकी कोई रुचि इसमें नहीं थी, बोले जो बात करना है मेरी वाइफ से करो। तो वो एक एक मूर्ति के सामने, मतलब मैंने इतने सालों से मैं जाता हूँ और मैंने किसी को भी इस ढंग से चीज़ों को देखते हुए कभी नहीं देखा। लोग अंदर जाते हैं मंदिर में और भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का ये मंदिर है, दर्शन करते हैं, पूजा प्रसाद करते हैं और अपनी कामनाओं के विष की एक थैली भी उनके कंठ में लटका के आ जाते हैं, और कभी वो उसके स्थापत्य को, कभी उसके डिजाइन को, कभी उसकी जो कलाएं हैं, जो तमाम चीजें हैं उसके पूरे चारों तरफ अंकित हैं, उसको नहीं देखते हैं। इसका महत्व एक और मैं रेखांकित इस जगह करना चाहूंगा कि ये इस पूरे इलाके का, उदयपुर का ये मंदिर जो शिखर से नीचे तक आप देख रहे हैं, ये पूरे इलाके का एकमात्र अपनी पूरी ऊंचाई में बचा रह गया मंदिर है। उस पूरे इलाके के जितने भी मंदिर हैं वो सारे बीती सदियों में जो इतिहास के अंधड़ चले हैं, जिनके बारे में बहुत अलग से और विस्तार से कभी किसी और प्रसंग पे बात कर सकते हैं हम, एक भी बचा नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा बच गया है, अभी मैं आगे के फ्रेम में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें घटा है। तो लेकिन अपनी पूरी ऊंचाई में, पूरी शिखर से लेकर बिल्कुल जमीन तक अपनी पूरी ऊंचाई में बचा रह गया एकमात्र मंदिर है। और वो कैसे बचा रह गया होगा, ये एक अच्छी कोई कहानी इसमें हो सकती है, उसके कुछ बिंदु हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक मूर्ति इसके नीचे, मैं डॉक्टर मिश्रा का फोटो ले रहा था, ये जो लेफ्ट साइड में एक देवी की प्रतिमा है जिसका सिर कटा हुआ है, जिसके हाथ कटे हुए हैं, जिसका पंजा कटा हुआ है और आप उनके पैरों से लेके पूरी देह पर चोटों के निशान देख सकते हैं। आप जैसे किसी मान लीजिए कि जैसे पोस्टमार्टम में जाते हैं तो वो चोट और घाव के निशान किसी लाश पे जो डॉक्टर देखते हैं और उस आधार पे ये कल्पना करते हैं, बताते हैं कि ये किस चीज से मारा गया होगा, तो वो चोटों के निशान आप देख सकते हैं। मैं इसके नीचे मिश्रा जी खड़े हुए थे और मैंने ये फोटो लिया, फिर जब मिश्रा जी हट गए तो मैंने इसका एक क्लोज शॉट लिया। ये 6 फीट हाइट से ऊपर है ये, तो इसलिए आप उसका जो लुक देख रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ खींचा गया फोटो है। जब ये मसला काफी गर्माया तो मैंने फिर इस फोटो को वापस रिविजिट किया अपने सिस्टम पर, और जब मैं इस फोटो को मैंने थोड़ा एनलार्ज करके देखा तो मैंने एक पीस लिखा था, हे देवी अपनी व्यथा कहो। अब ये अलिखित इतिहास है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ, अंतिम सांसें ले रहा, अपनी बिल्कुल पोस्टमार्टम के उसमें कोई मर गया है, बिल्कुल कोई व्यक्ति आखिरी कोई सांसें चल रही है ऑपरेशन थिएटर में, जब उसके बयान पुलिस लेती है तो वो क्या कहेगा, मेरे साथ क्या घटा। तो मैं अखबार में रहा हूं, ऐसे बयान खबरों में क्राइम की बहुत मैंने लिखे और पढ़े हैं, तो वो क्या बयान उसका होता। वो बयान मेरी इसकी चौथी या पांचवी ये पोस्ट होगी, मैंने इस पर ये बड़ा एक मार्मिक एक पोस्ट लिखी और उसका एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है कि वो क्या क्या कहती वो देवी अपने बारे में। तो ये सब उस पर है और ये भी काफी इसको पढ़ा गया। ये मंदिर के अंदर की कोई देवी की प्रतिमा है, इस तरह से वो जहां तक ऊपर चढ़ सकते थे, जिन्होंने भी ये कुकर्म वहां किए हैं वो जहां तक मंदिर में ऊपर चढ़कर जा सकते थे वहां तक उन्होंने एक भी मूर्ति को साफ सुथरा सुरक्षित नहीं रहने दिया गया है। और जो एक एक विशिष्ट शैली है वो मूर्ति खंडन की, वो शैली आपको पूरी दिखाई देगी, उसमें किसी के नाम और उनका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। आगे अकेला ये शिव मंदिर है, परमार जो है, परमारों ने शिव के उपासक थे वो, तो शिव के भव्य मंदिर उन्होंने बनाए हैं, जो भोजपुर तो हम सब ने देखा है, उदयादित्य के पहले ये बना था, उदयादित्य ने वहां बनवाया, और गुजरात से लेके राजस्थान और निमाड़ से लेके पूरा बुंदेलखंड की सीमा तक ऐसे हजारों मंदिर उन्होंने बनवाए थे। लेकिन उसी समय जैन शिक्षा, जैन के धर्म और उनकी परंपरा का भी एक उदयपुर बड़ा सक्रिय केंद्र रहा होगा, एक पूरे खंडहरों पर उदास खड़ा हुआ ये मंदिर है और उसने ये खंडित प्रतिमाएं जो तीर्थंकरों की हैं ये वहां ऐसी पड़ी हुई हैं, यहां तक कोई नहीं जाता है। जो 100 लोग हर दिन अगर वहां जाते हैं तो एक भी शायद ही वहां अंदर तक जाता हो। एक प्रवीण शर्मा यहाँ आए हुए हैं उदयपुर से, बताएंगे कि कितने कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत विशिष्ट रुचि रखने वाले पागल किस्म के लोग ही वहां कहीं जाते होंगे, ये सब सुनसान पड़े हुए हैं, कहीं कोई उठा ले जाए, तोड़ जाए, कुछ भी कर दे। ये उदयपुर की कचहरी है, ये जो राइट हैंड साइड का फिगर है, और वहीं से मैंने बाहर महल के अंदर की एक ताक झांकी है। और जब आप ये इसका जो आर्च देख रहे हैं, चौखट
जो पहले फ्रेम में, ये परमारों का बहुत विशिष्ट स्टाइल है, जो आपको उज्जैन में, जो आपको धार में, जो आपको मांडू में, इवन हम बाद में विदिशा गए मिश्रा जी के साथ में, तो वहाँ भी हमें शहर के अंदर कई सारे ऐसे ऐसे दरवाजों का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन था ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। महल के अंदर वो चार दीवारी जिसके बाहर प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्लेम बाहर हमने देखा, उसके अंदर क्या है ये हम और मिश्रा जी जिस दिन हम अंदर गए थे, ये अंदर कमरों के फोटोग्राफ हैं। नीचे लेफ्ट साइड में लोअर हाफ में जो फोटो दिख रहा है आपको, इसमें जरा देखिए कि किसी बिल्कुल कोई रॉयल फैमिली के जो लोग रहते हो तो उनकी अलमीरा है, उनके सामान रखने की जगह है। वो चौखट का वो स्टाइल घर के अंदर भी वही मेंटेन है डिजाइन उसका, जो बड़े दरवाजे पे हम राइट हैंड साइड के फ्रेम में देख रहे हैं। और ये जो ऊपर राइट हैंड साइड का जो ऊपर का फ्रेम है उसमें देखिए कि वो पिलर के बीच में कुछ दीवार जैसा है, ये बाद के एनक्रोचमेंट है, बाद में जब ये कब्जे हुए हैं परमारों का पराभव होने के बाद, उनका कालखंड समाप्त होने के बाद, फिर इन पे जिन्होंने भी कब्जे किए उन्होंने अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो वो पिलर्स के बीच में जो दीवारों के पैटर्न है वो आपको दिख रहे हैं कि वो बिल्कुल बेमेल है, वो होने नहीं चाहिए थे। तो ये अंदर की पूरी कहानी है, और ये ऐसे लावारिस हैं जहां कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी उखाड़ के ला सकता है, कुछ भी चोट पहुंचा सकता है, खंडित कर सकता है, तोड़ सकता है, बिल्कुल खुले लावारिस पड़े हुए हैं। ये उस महल का बाहरी कंपाउंड है, उस महल परिसर का बैक साइड से ये बाहरी उसका एक पिछला हिस्सा है ये, जो बिल्कुल पूरी तरह लावारिस है, और आपका अंदर जाना भी संभव नहीं है, इतना गंदा, इतना जंगल और झाड़ियों से लबालब भरा हुआ चारों तरफ से, कभी कोई सफाई ही, वहाँ ग्राम पंचायत है और पंच परमेश्वर वहाँ रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर क्या कर रहे हैं ये। दूसरी विजिट में जब हम गए, दूसरी बार हम गए बसंत पंचमी के दिन, और उस दिन तक ये सारा माहौल काफ़ी वहाँ थोड़ा जागृति में आया, लोगों की जानकारी में आया, तो मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि हर दिन आने वाले लोगों की जो रूटीन में जो संख्या थी वो आश्चर्यजनक रूप से काफी बढ़ गई है। प्रवीण शर्मा हमको कुछ घरों में लेकर गए। अब घर घर के अंदर क्या है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। यहाँ एक सज्जन रहते हैं, वहां तीन ही जैन परिवार हैं, ये मलूकचंद जैन का घर है, उनके घर में छोटी सी किराने की दुकान है, अंदर का ये कमरा आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्रेम दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये किसी घर का कोई कमरा हो सकता है, इसकी जो दरवाजे के ऊपर जो कार्विंग है, जो मूर्ति है ये सारी, और ये दूसरा फ्रेम जो है ये खंडित है मूर्तियां, मतलब जिन्होंने भी ये मंदिर पर अटैक है वो इन घरों में भी अटैक है, अगर ये घर थे तो, और अगर ये घर नहीं थे तो क्या थे इसकी एक वानगी में इसी फ्रेम में बताऊंगा। मलूकचंद जैन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जहां हम अभी रह रहे हैं ये हमारे बड़े आगे हम रहते थे और पीछे ये टीला था, लेकिन आगे का घर हमें किसी कारण से टूटा तो हमने रहने के लिए पीछे इस टीले की सफाई की तो उसमें से ये निकला। अब ये कब से टीला था, कब से इसको मिट्टी में ये दफन हो चुका था ये इसकी बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बरसों पहले, कुछ दशक पहले उन्होंने इस टीले की सफाई की तो बने हुए तीन चार कमरे उसमें से निकले, और बहुत सारी सामग्री जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये वहां निकली। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारा सामान तो वो कबाड़ी को दे चुके हैं जो इसमें पड़ा हुआ था, मालूम नहीं कैसे कैसा किस इस्तेमाल का था। नीचे के फ्रेम में जो देख रहे हैं वो कुछ औषधियों को घिसने की, जो एक आयुर्वेद के विशेषज्ञों के पास में जिस तरह की सामग्री होती है दवाओं को कूटने पीसने की, वो कुछ सामग्री आज भी पड़ी हुई है, और ये सारे जो फोटोग्राफ हैं ये प्रवीण शर्मा ने लिए हैं, आज हमारे बीच में हैं वो। तो ये घर घर की कहानी है, वो महल है, वो मंदिर है, वो जैन परिसर है। अब आप इस बावड़ी को देखिए, ये बावड़ी, ये जो बीच वाला फ्रेम है और पहला वाला फ्रेम, ये इसके पास में एक ईंट का भट्टा चलता है, और ये कब उस ईंट के भट्टे के अंदर किसी की निजी संपत्ति हो जाएगी अभी, या हो चुकी होगी अभी पिछले एक आध हफ्ते में, तो हम नहीं जानते। ये बिल्कुल लावारिस पड़े हुए हैं। ये दूसरी जो बावड़ी है ये अलग है, और ये जो देवी की प्रतिमा की बात कर रहे थे उपाध्याय जी उस फोटो में, वो एक महामाया का, महामाया देवी का मंदिर है, एक अलग परिसर है वो काफी, उसमें ये बावड़ी है। आपको ऊपर से पानी नीचे से खींचना है तो आप सामने खड़े होकर वो सर्कल ऊपर दिख रहा है कुएं जैसा, आप वहां से पानी लेंगे, और अगर नीचे जाना है तो ये पूरा रैंप यहाँ से बना हुआ है कि कोई हाथी और घोड़े भी जाके नीचे पानी पी सकते हैं, ऐसा लंबा रैंप है ये, इस तरह से इसका फोटो लिया गया है।
उदयपुर की जो नगर रचना है वो इस पहाड़ी के नीचे है, ये जो दो हिस्सों में पहाड़ी दिख रही है उसके नीचे उदयपुर शहर है और वो सारे मंदिर महल उनका दुर्ग की संरचना बावड़ियाँ और तमाम गलियाँ दरवाजे सब कुछ वहाँ है। ये जो पहाड़ी है उसके बगल में ये जो छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये नेचुरल नहीं है। इस पहाड़ी को काट कर अगर आप सब लोग हम एलोरा गए होंगे वहां जो कैलाश मंदिर है जो रॉक कट कैलाश मंदिर है जिसकी कोई नींव नहीं है, वो रॉक को ऊपर से काटते हुए जिसमें कार्विंग की गई है ये दशकों तक पीढ़ियों तक होने वाले काम है, तो वो मंदिर की साइज में एक रॉक को कट करा गया है जिसमें रॉक टेम्पल बनाने के शुरुआती सबूत भी उसमें है। और नीचे ये 27 फीट की चट्टान पर उकेरे गए शिव हैं जहां ये सज्जन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये शिव की प्रतिमा वहीं पड़ी हुई है, कोई चाहे तो इसको तोड़ जाए कोई चाहे तो इसको उठा ले जाए अगर उसकी इतनी शक्ति है तो। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये 27 फीट की प्रतिमा यहां पड़ी हुई क्या कर रही है, तो हो सकता है कि ये इसको उठाकर कहीं नगर में किसी जैसे बड़े बड़े हम होल्डिंग देखते हैं ना आजकल शहरों में बड़े बड़े होल्डिंग रहते हैं जो मार्केटिंग करते हैं चीजों की, तो मुझे लगता है वैसे किसी कल्पना से ये बड़ा फ्रेम यहाँ गढ़ा गया होगा और किसी कारण से ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया होगा क्योंकि इतना भारी इतना आकार में बड़ा है ये, तो ये वहीं स्थिर है, इसकी कोई बहुत अधिक सुरक्षा नहीं है और ये है क्या इसके बारे में वहां कहीं दो शब्द भी नहीं मिलेंगे और बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब आप इस पहाड़ी के ऊपर आइए तो वो जो लेफ्ट हैंड साइड में रॉक कट दिख रहा था वो ये है जो इसकी लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है ये वो है, और उसकी एक दीवार पर ये मूर्तियां गढ़ने की वैसी ही कोशिश की गई है कि अगर ये प्रोजेक्ट कभी पूरा होता तो जैसा एलोरा का मंदिर आप देखते हैं महाराष्ट्र में वैसा कुछ ये बनाने की कोई स्कीम रही होगी, जैसे भोजपुर का मंदिर अधूरा रह गया बनने से ऐसा ही ये और इनिशियल स्टेज पर बहुत ही शुरुआती चरण में ही ये काम किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया और ये इसी रूप में खड़ा हुआ है, लेकिन इधर कुछ अलग तरह के दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं जो हम आगे देखेंगे। जब आप उदयपुर में घूमेंगे जब आप इस पहाड़ी पर जाएंगे तो ये दो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट मेरे डिजाइनर ने किए हैं क्योंकि वो जानता है कि मैं एक लेखक हूँ और मेरी भावनाएं जल्दी आहत हो जाती हैं, तो उसने कलर नहीं किया है इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट उसने ये छोड़ दिए हैं कि उदयपुर के चप्पे चप्पे में ये पहाड़ी के ऊपर के दो तस्वीरें हैं। कभी कहीं भी आपको अभी अभी कुछ 8-10 दिन पहले डाली गई कुछ हरी हरी सी चादरें आपको नजर आएंगी जिनके ऊपर 4-6 पत्थर रख दिए गए हैं, और 10-20 दिन अगर कोई उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है या सब ऐसे ही चल रहा है जैसा कि चलता ही है हमारे बीच में, तो फिर कोई एक अगरबत्ती कोई एक लोबान और कोई एक और आके बैठ के कोई रहमतुल्लाह अलैह की कोई दरगाह जैसा कुछ निर्माण कार्य भविष्य में होंगे, तो ये ऐसे आपको उदयपुर में जगह जगह दिखाई देंगे। मैंने कपड़े की दुकान से पूछा कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा किस कलर का कपड़ा बिकता है, तो बोला हरे रंग का। पूरे उदयपुर में चप्पे चप्पे में आप ये इस तरह का एक फैला हुआ चीजें देखेंगे। अगर कोई पुरानी किसी की ऐसी समाधि है तो वो सब हमारे आदरणीय पुरुष ये मान लेते हैं उनको, तो उसकी तो जस्टिफाई होती है, लेकिन अभी अभी 4 दिन पहले क्या किसी की रूह दफन होगी जाके कि उनकी शरीर में तो आए हैं, चादर अभी अभी डाली गई है। मंदिर के अंदर आइए आप, ये मंदिर की जो गली है एकमात्र ये दम घोटू 10 फीट की गली है जहां से आप मंदिर के अंदर जाते हैं कि अगर एक गाड़ी अंदर जा रही हो तो दूसरी वहां से आ नहीं सकती है, और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिस दुकान से सामान खरीदना हो वहां ट्रैफिक कितना भी प्रॉब्लम हो गाड़ी तो उसके सामने ही खड़ी करेंगे, हम 4 कदम इधर उधर नहीं करेंगे, तो मंदिर तक ही गाड़ी लेके जाएंगे, तो ये हालत है। अब उस रास्ते में भी एक मकान पर किसी ने ये आप देखिए कि एक छोटी सी मकान पे ये एक साइन बोर्ड टंगा हुआ है, मैं ये विषय पता नहीं मुझे सच कहना ही चाहिए, मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और तथ्यों पे काम करता हूँ, तो इस मकान पर किसी ने जामा मस्जिद का बोर्ड वैसे ही लटका दिया जैसा ये बोर्ड हम अभी देख कर आए हैं। अब इसके ऊपर 2 मीनार हैं, जो पीछे वाली मीनार है वो सीमेंट की है छोटी सी जो दिख रही है मिनिएचर, जो बगल वाली जो बड़ी दिख रही है उसके ऊपर प्लाईवुड और लोहे का एक आयरन का फ्रेम बना के उसको प्लाईवुड से फ्रेम करके उसके ऊपर टोपी की तरह पहना दी गई है, क्योंकि ये ASI के मॉन्यूमेंट के 100-150 मीटर के दायरे में है तो वहां कोई मजबूत कुछ नहीं बना सकते, तो उन्होंने एक तरीका ये निकाला कि प्लाईवुड की टोपी पहनाओ, तो प्लाईवुड की ये टोपी दूसरी पे, अब ये भी हमें समझ में नहीं आती अगर वो पहली वाली वैसी ना छोड़ देते तो पहली वाली सीमेंट की कम हाइट की है इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, अब अगर ये हाइट बढ़ गई तो वो 4 किलोमीटर दूर से वो मंदिर आपको नजर में आता है,
तो वो सब दिखना बंद हो जाएगा और एक अलग तरह की आइडेंटिटी वहां आप क्रिएट होती हुई आने वाले सालों में देखेंगे। नेक्स्ट, ये जब सब हुआ तो इस गली का भी कुछ कल्याण इस समय कुछ नियति में दर्ज होगा। और जैसे इंसानों के सब्र टूटते हैं, ऐसे इतिहास भी अपना सब्र तोड़ता है, ऐसा ये उदयपुर हमको बता रहा है। और हम इतिहास को पीछे छोड़ना चाहते हैं कि इतिहास से पीछा छोड़ाओ, लेकिन इतिहास से आप और हम पीछा छोड़ा सकते हैं। इतिहास हमारा पीछा करता है और वो हमारा पीछा कर रहा है। ये देखिए आपकी ये 10 फीट की गली जो उस मंदिर तक नजर नहीं आता था, आप अब देखिए। ये सब जिन लोगों ने फोटो मुझे शेयर किए हैं उनसे मैंने लिए और ये सब आज यहाँ मौजूद हैं, वो कवरेज और वो मंदिर अब आपको नीचे से नजर आने लगा है, जो दिखता ही नहीं था। देखिए आप वहाँ इतना 30 फीट की अभी ये गली होने जा रही है। ये एक महीने के अंदर का सब डेवलपमेंट है, एक महीने के अंदर का। सबसे बड़ी खूबसूरत, देखो हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन उनकी चर्चा अक्सर नहीं होती है। मंदिर के ठीक बाहर लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला मकान टूटा वो ये चांद मिया का मकान था। इस व्यक्ति ने मालूम है क्या कहा, इस व्यक्ति ने ये कहा जब हम वहां गए, मिश्रा जी का एक फोटो हमने उनके साथ में लिया है, उसने कहा भाई साहब मैंने प्रशासन के आदेश का इंतजार नहीं किया, मैं एक दिन पहले गया तहसीलदार के पास कि सबसे पहले मेरा तोड़ो और मुझसे 5 फीट जगह ज्यादा लेना, क्योंकि 8 फीट जगह मुझसे ज्यादा लेना। तो मैंने अपनी 8 फीट जगह और दी तो लगभग उसका तो आधा मकान ही साफ हो गया। और वो खड़ा होकर कह रहा है कि साहब बरसों बाद अगर यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों उसका विरोध करूंगा, क्यों ना मुझे आदेश का भी प्रशासन के इंतजार क्यों करना चाहिए। तो राजा मियाँ की एक ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं, उन्होंने सबसे पहले जगह दी, सबसे ज्यादा जगह दी और बाकी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि कुछ अच्छा अगर हो रहा है, यहाँ लोग आएंगे तो हमारे ही कारोबार बढ़ने वाले हैं, हमारे ही जगह का कल्याण होने वाला है। तो उन्होंने ये पहल की तो हमें लगा कि इनसे भी आपका परिचय कराना चाहिए। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव एक सेक्शन है इस पूरे प्रेजेंटेशन का। ये पत्थर की जो जाली देख रहे हैं ये फ्रेम उदयपुर के मंदिर के ही परिसर का है और ये एक ही पत्थर पर बनी हुई एक जाली है। इसमें हम जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो 3 दरवाजे मंदिर के अंदर जाने के लिए हैं ऊपर, और उन 3 दरवाजों के दोनों तरफ कम से कम 20 inscriptions हैं संस्कृत के, 20 छोटे बड़े, कोई 6 लाइन का, कोई 8 लाइन का, कोई 20 लाइन का, ऐसे छोटे बड़े 20 inscriptions हैं। जब हम लौट कर आए तो ये हमने होमवर्क किया है, डॉक्टर मिश्रा ने ये पूरा काफी ये सेक्शन उन्होंने, इसमें सारा काम उनका है, और उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन पढ़ लिए गए हैं वो भी पढ़ के किताबों में रख लिए गए हैं, लेकिन उदयपुर में आने वाले लोगों को या उदयपुर में रहने वाले लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि ये लिखा क्या है। इसलिए वहां एक तरह की भ्रांतियां ये हमारे यहाँ गांव-गांव में है कि ये मंदिर एक रात का बना हुआ है। अरे भैया वहां इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ये कैसी निरक्षरता की बात आप कर रहे हो कि एक रात में बना के दिखाओ आप जरा ऐसा। लेकिन एक किंवदंती चलती है कि साहब एक रात में बना था, सुबह होते ही चूंकि सूरज उग गया था तो ये निर्माण कार्य पूरा हो गया। 1080 का ये पहला शिलालेख है। अब जब मैं आपसे 1080 के शिलालेख की बात कर रहा हूं तो ये 1080 वो सन है जब उदयादित्य स्वयं शासन में है, और ये संस्कृत का जो शिलालेख है ये ASI का एक बुक है जो ये डॉक्टर मिशन ने इसको निकाला है कि ये संस्कृत का वो शिलालेख जो वहां है उसका ओरिजिनल, उसकी एक एक लाइन का हिंदी में वो, और उसका अनुवाद ये हमने कोशिश की है करने की। संस्कृत में इसके शिलालेख में परमार राज्य को एक सत्ता के अंतर्गत लाने के उपलक्ष्य में राजा उदयादित्य को आशीर्वाद इस शिलालेख में दिया गया है। श्लोक के जो रचयिता है वो कोई पंडित श्रृंगवत्स हैं, उनके पुत्र पंडित महिपाल, ये जो श्लोक किसी ने लिखा है उसकी ये क्रेडिट लाइन है। जैसे आज अखबारों में खबरों की बाईलाइन छपती है वैसी ये क्रेडिट लाइन है उस व्यक्ति की जिन्होंने ये रचना की है। और इस मंदिर को उदयेश्वर देव का मंदिर कहा है इसने। इसकी तिथि जो है वो 1080 ईस्वी सन में आती है जिसका संवत 1137 है। देवपाल के समय का ये दूसरा शिलालेख निकला जिसमें ये ईस्वी सन 1229 का है, 1229 का। और देवपाल जो है वो अगली कड़ी में परमारों के एक राजा हुए हैं जिन्होंने उदयपुर को देव धर्मपुरी कहा है अपने शिलालेख में। उन्होंने पूर्णिमा के दिन के किसी दान का इसमें उल्लेख है। इस शिलालेख में 2 ऐसे गांव के नाम हैं जो खरही और उमरता, इस नाम के गांव आज भी है वहां पर, जो उदयपुर से सिर्फ 6 किलोमीटर की
परिधि में। अब ये 1229 का जो हाईलाइट हमने किया है ये कितनी साइज का है, ये लिखा है ये 32 सेंटीमीटर इसका लंबाई है शिलालेख की, इसकी चौड़ाई 49 सेंटीमीटर है, ये 15 इसमें पंक्तियां हैं, हर एक अक्षर का जो टाइप है साइज ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल प्रिंटर में से निकाल दिया है ऐसा, तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर का प्रत्येक अक्षर है इसमें, और इसमें परमार राजाओं को जो उनकी उपाधियां होती थी, परमार भट्टारक महाराजा अधिराज जैसी उपाधियों के उसमें उल्लेख है। 1229 का समय इसलिए हमारी स्मृतियों में दर्ज होना चाहिए कि ठीक इसके कुछ साल बाद 1235 में कितना 4-5 साल के बाद ही मालवा पर पहला इल्तुतमिश का अटैक है, और इतना भीषण अटैक है ये कि इसके ब्यौरे जब मैंने दस्तावेजों में पढ़े तो वो रोंगटे खड़े करने वाले और हम सबकी नींद हराम करने वाले हैं। ये पूरे मालवा को उसमें तहस नहस हुआ है। इसमें विदिशा का विजय मंदिर, जो विदिशा से मित्र आए हैं वो अपने बीजा मंडल नाम से जो पुराने विदिशा में एक स्मारक है वो पूरा तोड़ दिया गया है, और अगर इस मंदिर का वो हाल होता तो ये टॉप टू बॉटम सब कुछ नष्ट हो चुका होता जो विदिशा में जो त्रासदी हुई, और वो नरवर्मन का बनवाया हुआ है विदिशा का मंदिर जो इल्तुतमिश ने डायरेक्ट तोड़ा। तो विदिशा को पूरा लूटने और तोड़ने और तबाह करने के बाद केवल शहर में अटैक नहीं होते थे, ऐसा नहीं था कि विदिशा में ट्रेन से उतरे और अंदर शहर में गए तोड़फोड़ के अगली रिजर्वेशन था ट्रेन में वो वहां से निकल गए, ये पूरे आसपास के कस्बों में आसपास के गांवों में इनकी 11-12 महीने की ये मुहिम होती थी लूट की और हमले की। तो गांव-गांव में जो मंदिर तोड़े हैं, जैसा मैं कहता हूं कि एक भी मंदिर पूरी हाइट में सुरक्षित नहीं है, तो वो जो तोड़े गए हैं वो सब यहां से वो एपिसोड शुरू होते हैं इस एरिया में 1233-35 में। ये फिर उज्जैन गया, उज्जैन में महाकाल देव का जो हजारों साल पुराना मंदिर था वो पहली बार पूरा डिसमेंटल किया इल्तुतमिश ने, जो रजिया सुल्तान फिल्म हम सब ने देखी होगी, अगर हमने इतिहास नहीं पढ़ा है तो हेमा मालिनी ने हमको बताया है कि रजिया सुल्तान कौन थी, वो इसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ये दूसरा सुल्तान था दिल्ली में जो तुर्क हमलावर जो काबिज हुए थे उनकी कड़ी में, ये दूसरा लुटेरा हमलावर था जिसको हम सुल्तान कहते हैं और सल्तनत काल का इतिहास कहते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अब ये बातें मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं ये कैसे कह रहा हूँ, तो मिन्हाजुद्दीन सिराज इल्तुतमिश का एक समकालीन राइटर है, उसने विदिशा के हमले में जो कुछ हुआ है उसकी लाइव रिपोर्टिंग की है। उस लाइव रिपोर्टिंग में वो ये बताता है कि ये विदिशा का जो मंदिर तोड़ा गया है ये 105 गज ऊंचा था, 315 फीट उसकी ऊंचाई थी, और आज जब आप उसके खंडहर को देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि ये लगभग इतना ही ऊंचा रहा होगा इसके ऊपर जो भी रहा होगा। अब आप देखिए उदयपुर के अंदर एक ये जगह है जिसको बीजा मंडली कहते हैं और ये किसी निजी इस्तेमाल में आती है ये जगह, वहां पर वैसा ही दरवाजा है जैसा हमने अभी मलूक चंद जी के घर के अंदर देखा, उस दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड में ये इंस्क्रिप्शन है और ये 8 पंक्तियों का है, संस्कृत का है, और ये पढ़ा नहीं गया है लेकिन इसके सामने एक गाय बंधी हुई थी, नीचे पूरा गोबर फैला हुआ था और अंदर घास भरी हुई थी, जो मैंने पिछले फ्रेम में लिखा कि घर घर में वहां इतिहास है, तो ये घर घर में इतिहास, एक घर का इतिहास ये भी है, जो इतिहास क्या है वो हमें पता नहीं है। ये मंदिर के दरवाजों पर दोनों तरफ से जब आप कहीं से भी जाएंगे, 3 दरवाजे हैं तो दोनों तरफ इस तरह के इंस्क्रिप्शन है, और इनको बहुत संरक्षित नहीं है, इनको अगर कुछ कांच के फ्रेम में कर दिया जाए तो ये बचे रहेंगे, अन्यथा लोग इसको स्पर्श करते हैं, कुछ कोशिश भी करते हैं कुछ अपनी और इसमें अपना इतिहास जोड़ने की, तो वो ऐसे खंडित भी कई जगह आपको दिखेंगे जो मिट गए हैं, धुंधला गए हैं, और ये प्रकाशित भी नहीं है, तो इनको पढ़े जाने की बहुत जरूरत है। ये बहुत सावधानी पूर्वक समझने जैसा एक मामला है, ये 2 फारसी के मंदिर परिसर में ही शिलालेख है। जब मिश्रा जी और हम इसको देख रहे थे तो ये आश्चर्यजनक था कि ये फारसी का शिलालेख यहाँ क्या काम कर रहा है, इसका क्या काम है, ये क्या उदयादित्य जी महाराज के समय कोई फारसी का स्कूल भी यहाँ उन्होंने भाषा विज्ञान विभाग के अंतर्गत कोई खोला था कि अलग अलग भाषाओं की ज्ञान प्राप्त करें लोग, तो ये शिलालेख क्या कह रहा है। तो हम इसकी ये फोटोग्राफ लेकर आए और मिश्रा जी ने किसी फारसी के जानकार को ये पढ़ने के लिए दिए हुए हैं जो पूरे अभी पढ़े जाने बाकी हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें क्लियर हुई, एक तो इसका टाइम और दूसरा इसमें एक नाम, जो टाइम है इसका वो 1336
38 का टाइम है। इस टाइम पर दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का कब्जा था, ये उसके समय का दस्तावेज है। और अगर आप उदयादित्य से इनको आंकेंगे टाइम लाइन में, तो ये उदयादित्य महाराज के जाने के 258 साल बाद का एक मूवमेंट हमें यहां दिखाई पड़ता है। इसमें वो किसी मस्जिद के निर्माण की बात कर रहा है, ये क्लियर है। अगले फ्रेम में आइए, मंदिर के पीछे, मंदिर के परिसर में है, बाहर मंदिर के बाहर, मंदिर कैंपस में, काफी बड़ा कैंपस है, वो कैंपस अभी दिखाएंगे आप। अब हम 300 फीट ऊपर आते हैं और यहां से हम उदयपुर का मंदिर देखते हैं। इसका कंपाउंड आप देखिए जरा ऊपर, उधर वो टॉप उत्तर दिशा है, डाउन दक्षिण दिशा है, जो राइट साइड है वो पूर्व है और इधर से पश्चिम है। जो काला घेरा आप गोल सर्कल देख रहे हैं नीचे मंदिर के राइट साइड में, नीचे काला घेरा आपको दिख रहा है सर्कल में, ये सर्कल वो फारसी का एक शिलालेख है। दूसरा फ्रेम उधर है, जो मॉस्क बनाने की कोशिश की गई है वो बिल्कुल पीछे, बिल्कुल बैक साइड में एक छत दिख रही है आपको, जिस पे लिखा है पीले अक्षरों में कि ये मस्जिद जैसा ढांचा है कोई। तो ये जो फारसी का शिलालेख है, ये दरवाजा गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट की तरह से दो दरवाजे खड़े हुए हैं। पिछले फ्रेम में ये दो दरवाजे हैं जो बिल्कुल सीध में, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये दो दरवाजे हैं जो जिनके बीच में कोई दीवार बनाने का एक अधूरा प्रयास किया गया होगा। अगर ये दीवार बन जाती तो क्या होता, वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि जो नीचे से ऊपर तक एक लाइन दी हुई है, ऐसी एक दीवार दोनों दरवाजों को कवर करते हुए बनती और ये मंदिर से बिल्कुल पिछले हिस्से से टच करती हुई निकलती, फिर आप मंदिर को घूम के इधर से उधर नहीं जा सकते थे। शायद ये जो खंडित मूर्तियों के, जो देवी के फ्रेम हमने पहले देखे, मुझे लगता है कि ये ठीक उसी समय ये सब कब्जे में लिया गया होगा और ये तोड़ने का उसको प्रयास किया गया होगा। अंदर की सारी मूर्तियां, बाहर का सारा, जहां ऊपर तक चढ़कर जा सकते थे वो सब तोड़ा है। और ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये दो दरवाजे बनाना, पीछे वो मॉस्क जैसा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना, शिलालेख पर इसका डिक्लेयर करना ये कि ये क्या हो रहा है अब यहाँ पे, तो ये एक हमें एक महत्वपूर्ण इशारा इस तरफ करता है। और जब ये 1338 लगभग 258-250 साल के बाद में उदयादित्य के ये सब मूवमेंट यहाँ हो रहा है, इसके पहले का पहला घटनाक्रम इल्तुतमिश का है, जो उदयादित्य के 155 साल बाद का है, हमला मालवा में, उस हमले में ये मंदिर बचा। फिर दूसरा अलाउद्दीन खिलजी की लूट है, 1291 में उसने विदिशा लूटा है, और उसकी लूट के जो लाइव डॉक्यूमेंट है वो क्राइम स्टोरी की तरह पढ़ी है, उसको हिस्ट्री की तरह मत पढ़िए वरना बोर हो जाएंगे, हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो अलाउद्दीन खिलजी का 1291 में विदिशा की जबरदस्त लूट है, और विदिशा वालों ने, मतलब मैं विदिशा में पढ़ा हूं और वहां का निवासी हूं और इस नाते शर्मिंदा हूं कि विदिशा के लोगों ने उसको देवगिरी का पता बताया कि यहां तो कुछ भी माल नहीं है, माल तो देवगिरी में है। तो फिर वो 5 साल बाद वहां गया लूटने के लिए। खैर, तो ये ऐसा कुछ, तो वो बाहर जो पूर्वी दिशा का जो गेट है राइट साइड में, उसको बंद किया गया है, वो आज भी बंद है, सारे दरवाजे बंद किए गए हैं। पीछे की तरफ से इसको दरवाजा चालू किया गया है, जो रास्ता 10 फीट की दम घोटू गली हमने देखी, वहां से होकर आप इस तक आते हैं। और अगर ये दीवार बन गई होती तो इसका क्या हाल होता, इस मंदिर को कितना बचता कितना ना बचता, क्या कहानी रही होगी कि इतना कुछ बनाने के बाद वो बीच में कैसे भाग गए। अब मैं जब 1338 के कालखंड में एंटर करता हूं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसके 18 विद्रोह हैं पूरे देश में, और 1338-1336 में एक जबरदस्त लोगों ने विद्रोह किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत में, भारत के मूल निवासियों ने संगठित विरोध नहीं किया कभी, आपको जियाउद्दीन बरनी ये बताएगा, उन डॉक्यूमेंट्स में आप जाइए तो उसमें वो ये बताएगा कि जगह जगह मंडल बनाकर, समूह बनाकर, संगठित होकर लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया और उसका जीना हराम कर दिया। तारीख़ फिरोजशाही नाम की किताब में जियाउद्दीन बरनी के ये सब लाइव डॉक्यूमेंट है, वो खुद उस समय 16 साल तुगलक का एडवाइजर रहा है। तो क्या कारण था कि ये बच गया, क्या कारण था कि ये बाहर ही बाहर कुछ तोड़ फोड़ कर और ये दो दरवाजे लगाकर जो कुछ महीनों तक यहाँ उस अवस्था में इन्होंने काबिज रहे होंगे, नहीं तो ये काम 2-4 दिन का नहीं है, लेकिन किन के कारण ये अधूरा छूट गया, ये एक बड़ी स्टोरी है जिस पर कुछ बहुत लिखा जा सकता है आगे।
एक बड़ी चिंता की एक विषय है जिसकी तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए। मंदिर में कई जगह कुछ ये क्रेक आए, ये प्रवीण जी नहीं ये फ्रेम हमको भेजे थे, और आधा किलोमीटर के दायरे में वहाँ सैंड स्टोन की एक बड़ा पॉपुलर सेंटर है ये, जहाँ खदानें हैं, और वो लगभग 2,500 से 3,000 हेक्टेयर में है। मतलब ये लगभग 10 से 15,000 बीघा जमीन होती है जिसमें एक छोटा मोटा शहर बस जाए। इतने एरिया में पूरी इल्लीगल माइनिंग, जो रात में वहाँ धमाके करते हैं और पूरा स्टोन वहाँ से लूटते हैं, अगर अवैध है तो लूट है फिर ये, और उसकी वजह से ये मंदिर में कहीं कहीं अंदर आपको ये क्रैक दिख रहे हैं। ये इस तरह के बड़ा एक चिंताजनक ये स्थिति है, और इससे मुझे लगता है कि अपनी कब्र में सोया हुआ तुगलक बड़ा खुश होगा कि जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था वो वही लोग पूरा कर रहे हैं। अब ये परमारों के बाद के कुछ एपिसोड हैं। हमारी ईमानदारी इस बात में होनी ही चाहिए कि हम उसको एक 360 डिग्री पर देखें। तो वहाँ ये कुल 4 मस्जिदों के प्रमाण हैं, और उन सब में फारसी के शिलालेख हैं। सभी मस्जिदें जो हैं पुरातत्व विभाग के अंडर में हैं, और वो शिलालेख भी छपे हुए हैं। तुगलक का जो फारसी का 1336-38 का शिलालेख है, 2 इंस्क्रिप्शन वो हमने मंदिर परिसर में ही देखे हैं। दूसरे जो हैं वो एक शेर खान की मस्जिद के नाम से उदयपुर के पूर्वी दिशा में है। ये मालवा पर जब खिलजियों का कब्जा हुआ, एक अलग एपिसोड यहाँ 1401 ईस्वी से शुरू होता है जब मालवा के पूरा कब्जे में इनके आता है, तो ये 1488 का ये एक उनके कोई दरबारी थे शेर खान नाम के, उन्होंने यहाँ ये मॉस्क बनवाई थी। फिर उसके मंदिर के दक्षिण दिशा में इस्लाम शाह सूर की कोई मस्जिद है, जिसमें 1559 ये बाबर के आने के लगभग 20 साल बाद, बाबर 1528 में यहाँ उनका मंगल प्रवेश हुआ है, तो उसके 20 साल बाद यहाँ ये शेर शाह सूरी के खानदान के लोगों का कब्जा फिर उदयपुर में हुआ। जिस कचहरी का फ्रेम हम देख कर आए हैं, उस कचहरी में एक मस्जिद है, वो उसको मस्जिद भी कहते हैं, और शिलालेख के अनुसार यही है वो जगह जहाँ जहांगीर ने 1632 में अपना दावा है कि उन्होंने बनाना शुरू की थी, और 84 गांव की काजियात उस महल के उन वारिसों को पाई गई जो हमें अभी मिले हैं। ये कुछ लोगों के मैंने फेसबुक से फ्रेम लिए हैं, ये भोपाल के लोग हैं जो उदयपुर गए हैं और उन्होंने वहाँ के बारे में कुछ कमेंट किए हैं, तो मुझे लगा कि इन लोगों को इसमें जगह मिलना चाहिए। पीयूष जोशी हैं, बहुत युवा आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने वहाँ गए और वो एक आर्किटेक्ट की नज़र से, एक वास्तुशास्त्री की नज़र से उन्होंने उदयपुर को स्टडी किया, और वो उन्होंने कुछ कमेंट किया था, तो वो मैंने इसमें ज्यों का त्यों लिया है। डॉक्टर विजय अग्रवाल को हम सब जानते हैं, ये आज आने वाले थे लेकिन छत्तीसगढ़ में हैं तो इसलिए आ नहीं पाए हैं, ये भी वहाँ सपरिवार होकर आए हैं। ये आशुतोष केवलिया हैं, इतिहास के स्टडी करते हैं मेरे जैसे, ये भी एक जिज्ञासु हैं, ये भी जाते रहते हैं पुरानी जगहों पर, कई जगह हम साथ में जाते हैं। नीचे ये संजय भाई हैं, ये कारोबारी आदमी हैं, इनका इतिहास से या उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको कुछ ऐसी है कि ये बार बार जाते हैं, अपने परिवार को और समाज के तमाम लोगों को भी लेके जाते हैं, और ये मंदिर को दर्शन कराते हैं। मंदिर को लेके ही 99% लोग हैं वो सिर्फ मंदिर के कारण जाते हैं, तो ये चंद वो लोग हैं, मुझे लगा कि इनके उल्लेख होने चाहिए कि लोग कहाँ कहाँ से इसमें आते हैं। अब आगे क्या इसके हो सकता है, ये तो उसके सुखद या दुखद अतीत की कहानी है जो हमने इसमें देखी, लेकिन इसमें आगे क्या हो सकता है, तो ये कुछ हमारे विचार हैं, हम आपसे सुझाव भी चाहेंगे इसमें और आपका आशीर्वाद भी चाहेंगे। ये उदयपुर के इसके आसपास हम चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं इसकी जानकारी कम से कम एक पूरी लिस्ट में सामने आए कि वहाँ क्या क्या 20-30 किलोमीटर की परिधि में मौर्या और गुप्ता पीरियड के 1.5 से 2,000 साल पुराने मॉन्यूमेंट 20-30 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कई उदयपुर की कड़ियाँ वहाँ आसपास बिखरी हुई हैं, तो उसका एक लोकल टूरिस्ट सर्किट बना सकते हैं, ऐसा एक हमारा एक भविष्य का विचार है। उदयपुर के लिए एक फेसबुक पेज, क्योंकि ये सोशल मीडिया की ताकत की भी एक प्रमाण है ये जो कुछ वहाँ अब हो रहा है, तो एक वहाँ एक स्पेशल पेज हम एक जीवन प्लेटफॉर्म की तरह बना सकते हैं, जिसमें हम परमार राजाओं एक कुछ दस्तावेज ऐसे बना सकते हैं जिसमें परमार राजाओं के पूरे इतिहास और उनके निर्माण कार्यों की एक अच्छी तफसील से अच्छी पठनीय रूप में उसकी जानकारी हम छापें, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं।
मेरा एक विचार इसमें यह था जिसमें मैं कुछ अपना मैं खुद उसमें इनिशिएटिव ले सकता हूँ कि विरासत की बात के नाम से हर महीने के एक तयशुदा रविवार के दिन हम डिक्लेयर करें और आज जितने लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है वो सब अगले 12 महीनों के वो सब अतिथि हैं, चाहे वो अभिलाष जी हों, चाहे अजीत जी हों, चाहे गिरीश जी हों और तमाम जो नारायण व्यास साहब आए हैं, पूजा सक्सेना को तो खासतौर से बुलाया है, वो तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो उनकी काफ़ी उपयोगिता वहाँ हो सकती है। ऐसे जो भोपाल शहर के गणमान्य लोग हैं ये जाएं, हर रविवार को हम वहाँ, हर महीने के एक रविवार को वहाँ रहें, 4-5 घंटे रहें। अगर मैं किसी पेंटर को वहाँ लेके जाऊँ तो किसी पेंटिंग की एक वर्कशॉप हम वहाँ कर सकते हैं कि 150 विद्यार्थी आसपास के स्कूल कॉलेज के वहाँ आए और 20 लोकेशन पर उदयपुर को एक ही दिन में कैनवास पर उतार दें और उसकी एग्जीबिशन हम यहाँ फिर अगले महीने कभी देखें। तो इस तरह से 12 महीने ये श्रृंखला चले, उसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को, कुछ स्कूल कॉलेज के लोगों से भी मेरी बात हुई है और वो काफ़ी इसमें रुचि ले रहे हैं कि जब भी कभी आप आएंगे, और कोई मेरा विचार है कि जैसे यहाँ पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी हैं, यहाँ विजयदत्त श्रीधर हैं, ये लोग भी जाएं और उनसे बात करें और उसको वो एक खबर हो उस दिन, उसके पेज पर वो प्रसारित हो, तो इस तरह से एक कुछ हलचल हैपनिंग वहाँ शुरू हो। तो एक हेरिटेज वॉक की हम शुरुआत कर सकते हैं कि हर महीने एक तयशुदा, जब कभी डॉक्टर सुरेश मिश्रा या नारायण व्यास या पूजा सक्सेना वहाँ हों और वो बच्चों को लेके पूरे उदयपुर की एक 4 घंटे की एक बढ़िया हेरिटेज वॉक करें, उनको बताएं कि ये क्या है। और सोमनाथ और ओरछा की तर्ज पर और हमारे यहाँ और भी खजुराहो में एक लाइट एंड साउंड शो आधे घंटे का सरकार करे, ऐसा हम चाहेंगे कि आप लोग इसमें कुछ हाथ बटा सकते हैं कि वो वहाँ एक आधे घंटे का एक नया फीचर होगा, रूरल एरिया का पूरा वहाँ बसाहटें हैं तो उनके लिए एक नया आकर्षण भी होगा उदयपुर को और लोकप्रिय करने के लिए। और अंतिम साल भर ये श्रृंखला हम चलाएं और 12वें महीने में जब इसका समापन करें तो सरकार के सामने हम ये निवेदन कर सकते हैं कि 2 दिन का एक छोटा सा उदयपुर उत्सव शुरू करें। तो इस तरह से जब वहाँ लोगों का आवागमन शुरू होगा तो ये एक 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 अच्छा केंद्र वहाँ पर्यटन का बन सकता है। इस काम में जो जो लोग मदद कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके रीजनल डायरेक्टर मिश्रा जी से मेरी बात हुई थी, वो आज जबलपुर में है राष्ट्रपति जी के दौरे की वजह से, वो आने वाले थे, उन्होंने काफ़ी रुचि ली है और वो अगले महीने उदयपुर का प्रवास करने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति और पुरातत्व विभाग है वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है, पर्यटन निगम बड़ा काम कर सकता है, जिला प्रशासन के पास बहुत सारी ताकत स्थानीय स्तर पर होती है, ग्राम जनपद और जिला पंचायत का जो 3 स्तरीय पंच परमेश्वर विधान भारत में है उनके पंच परमेश्वरों के सामने भी हम कुछ याचिकाएं लगा सकते हैं कि भैया आप भी कुछ इसमें धूल झाड़ के खड़े हो जाओ। पंचायत विभाग है, शिक्षा विभाग है, जो इंटेक ने जो पहल की है उनका नाम भी इसमें हमने लिया है कि वो उपाध्याय जी बताएंगे, उनके काफ़ी उनके मन में है उदयपुर के प्रति, जब उनको ये सारा उनके संज्ञान में आया है, तो हम सब मिलकर उदयपुर की इस 1000 साल पुरानी कहानी में कुछ एक नया अध्याय जोड़कर हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंप कर जा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और कोरोना ने हमें ये बताया है कि कितना नश्वर ये जीवन है। तो जो कुछ भी बचा है हमारे पास समय और जितने साधन संसाधन हमने अपनी जीवनचर्या में और अपनी आयु में अर्जित किए हैं तो उसका हम कुछ एक आहुति के रूप में वहाँ दे सकें। उदयपुर की जो पोस्ट है मेरी वो महाराष्ट्र के कुछ अखबारों ने मराठी में तर्जुमा उसका किया है ये, और इसका हेडलाइन उन्होंने ये छापा है कि ये मध्य प्रदेश का काशी कॉरिडोर, ऐसा करके ये मराठी का एक 8-10 संस्करण है, तरुण भारत अखबार है अभिलाष जी, तो ये छपा है। ये उदयपुर का एक रास्ता है जिसका ये प्राचीन दरवाजा है और इसकी डिज़ाइन को आप देखेंगे तो परमारों का ये टिपिकल स्टाइल है और बड़ा खूबसूरत है ये। तो मेरे मन में था कि ऐसे कुछ 10-20 बड़े बड़े साइन बोर्ड इसी साइज के जो स्क्रीन है और उदयपुर की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसको हम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में भी कोशिश करें कि इस डिज़ाइन पे हम वो साइन बोर्ड कुछ अच्छे डिज़ाइन करके वहाँ कुछ 10-5 जगह पे डिस्प्ले करें। और मैं इसमें आप सब में से किसी को भी धन्यवाद देने वाला नहीं हूँ, ये पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए एक निमंत्रण के रूप में यही देना था, ऐसा सोचकर इंटेक ने ये पहल की है, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन उदयपुर का आमंत्रण है आप सबके लिए, धन्यवाद इसमें कोई नहीं है। और अंतिम रूप से मैं कुछ लोगों के इसमें नाम उल्लेख करना चाहूँगा कि जब ये पूरा मसला 3 जनवरी के बाद से शुरू हुआ तो वहाँ के कुछ युवाओं का एक समूह आगे आया जिसमें
कुछ नाम मैं इसमें लिखे हैं मैंने, मधुर शर्मा हैं, वो लगातार ट्विटर पे वहाँ की नई नई लोकेशन से नई नई जानकारी दे रहे हैं कि एक मूर्ति यहाँ भी पड़ी है, यहाँ कुछ निकाल सकते हैं, देखिए ये यहाँ क्या है। गगन दुबे हैं, आज आए हैं, प्रवीण शर्मा हैं, अमित शुक्ला हैं, ये सारा ग्रुप इनके साथ में, एक एक के साथ में 10-10 लोग होंगे, ये वहाँ लगातार जैसे ही समय मिलता है उदयपुर चलो, 10-12 किलोमीटर ये गंज बासुदा से है और ये गंज बासुदा के रहने वाले हैं। और आज जब उनको पता चला कि हम लोग यहाँ कुछ चर्चा करने वाले हैं तो गगन का फोन आया, गगन ने कहा कि हमारे बिना आप हमारी चर्चा कैसे कर लेंगे, तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे डाला हुआ है तो ये सबको ओपन इन्विटेशन है, तो आप सब इसमें आए। मैं चाहूँगा कि लाइट्स की ऑन कर दें और अगले 10 मिनट हम चाहेंगे कि अगर सुझाव हो दीपक शर्मा जी हैं या प्रज्ञा प्रभा से, सब सामाजिक और संस्कृति के क्षेत्र में, किस नाम से नहीं अभी शुरू किया नहीं है, अब कोई भी नाम उसका हो सकता है, ये आइडिया है अगले 1 साल के। और इसमें ये हेरिटेज वॉक हमारी जो मिश्रा जी के साथ में योजना बनी थी तो ये उस कड़ी का ये पहला एपिसोड था, हमें पता नहीं था कि यहाँ इतना कुछ ऐसा हैपनिंग हो जाएगा कि उसका इस रूप में हम यहाँ चर्चा करेंगे। साहित्य अकादमी से डॉक्टर विकास दवे हैं, इनसे मैं ये अपेक्षा करूँगा कि कुछ साहित्यिक कुछ राइटिंग के लिए, कोई बच्चों के बीच में मैं उदयपुर बोल रहा हूँ, इस शीर्षक से 100 राइटर वहाँ बच्चों के तैयार कराएं, तो साहित्य अकादमी कुछ ऐसा एक अपनी आहुति इस काम में डाल सकती है, कैसे भी ये चर्चा में रहे, कैसे भी कुछ हैपनिंग हो। अशोक कुमार पांडे साहब हमारे बीच में हैं जो लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये हमें इसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट अगर कुछ अच्छे विचार इसके बारे में हो, कुछ करेक्शन करें हम, कुछ आगे और इसको कैसे ले जा सकते हैं, तो सब इसमें सहभागी हैं। दीपक जी आपने तो किसी का धन्यवाद नहीं दिया, पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं और पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश की तरफ से, हम एक 80 साल के युवा प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी का और उनके परंपरा को आगे ले जाने वाले विजय मनोहर तिवारी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि शायद हमारी इस निंद्रा को तोड़ने में आप कुछ सहायक हुए। जब ये सुन रहा था तो बड़ा अटपटा लग रहा था कि विदिशा बासोदा कैसे कैसे लोग सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, इन सबको जो दृष्टि नहीं है वो एक गुरु को और एक शिष्य को पाई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये सब संस्कृति इतिहास पत्थरों में जो बोला जा रहा है वो सब हमारे आसपास बिखरा हुआ है, हम बिल्कुल अनजान हैं, कृपया करके इस यात्रा को और बढ़ाइए, और जगह जाइए और बताइए कि हमारा कितना समृद्धशाली इतिहास है, हम सब उसके वंशज हैं और हम सब उस पर गौरवान्वित हो, और इस सारी धूल को जो इस्लाम के कारण हमारे ऊपर आई है, जो एक अंधा के रूप में आई थी, उसको उठा के फेंकिए और उस पूरे भारत को, हमको सबको, पीढ़ी को खड़ा करना होगा, हम सब आपके साथ हैं। पांडे साहब से निवेदन करूंगा, अभिलाषी आप कुछ कहें, आप अगले 12 महीनों का जो हमने प्लान किया है उस सूची में श्रीधर जी, आप, नारायण व्यास जी, कपिल जी, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, तो 2 मिनट में आपसे चाहूँगा। शर्मा जी ने कहा कि आपने हमको नींद में से उठाया है, इतने पड़ोस में विदिशा पे हम जा नहीं पाए और जहाँ देख नहीं पाए। मिश्रा जी ने एक दिन मेरे को उनके घर पर गया था तो ये सारी जानकारी दी थी और विजय ने कई दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन निश्चित बात है कि हमारे आसपास जो हेरिटेज है, हमारे पास आसपास जो इतिहास है उसको ही हम देख नहीं पाते, हम दूर दूर जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो देश विदेश में ज़्यादा विदेश में घूमते हैं लेकिन देश का इतिहास उनको कुछ ज़्यादा देखा नहीं, उन्होंने इंदौर में गांधी हॉल में किसी को लेके गया, उनका हमने देखा ही पिछले 40 साल से इंदौर के गांधी हॉल में, उपाध्याय जी हमारे इंदौर के कलेक्टर हैं, उन्होंने इंदौर के लिए बहुत काम किया है। तो निश्चित रूप से जिनको आर्किटेक्चर में, जिनको हेरिटेज में, जिनको हिस्ट्री में, जिनको अपने प्रदेश या अपने देश पर नाज है, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और विजय, तो विजय के बारे में क्या कहा जाए, विजय और मिश्री की जो जोड़ी है अभी यार क्या कहाँ कहर ढाने वाली है, इसकी हम राह देख रहे हैं, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तिवारी जी और मिश्रा जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। और आज इंटेक के हमारे जो आर्किटेक्चरल टीम है, जो फुल टाइमर इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और अगले इसी सप्ताह में हम
उसका पूरा डिटेल्ड मेजर ड्राइंग जो आप बता रहे हैं, तो उसका मेजर ड्राइंग का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पीछे मेरे मनोज शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ आर्किटेक्ट हैं, इनको भी मैं साथ में ले जाऊंगा। पर हमारी जो वाना सेना, युवा सेना है, आप सब से मेरा आग्रह है, जो गंजबासदा के हैं, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 94250, जो गंजबासदा वाले हैं, 94250-11863। क्योंकि जैसे ये मिश्रा जी और तिवारी जी ने बताया, ये वास्तव में आश्चर्यजनक तथ्य है कि इतना बड़ा भव्य स्थान हमारे बीच में सुरक्षित रहा। अब इसको एक बृहद नजरिया देना है और कहीं से इसकी छोटी एक रूपरेखा बना के शुरू करें। पूजा सक्सेना भी यहाँ बैठी हैं, आगे आने वाले 4-6 दिन में जब हम जाएंगे तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि दिन भर जब वहाँ धूप में तपें तो उस तप का हमारा सबका फल अच्छा निकले। एक बार आपको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी और विजयदा श्रीधर भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि कपिल जी आप सिर्फ आशीर्वाद दे दें हमको, वहाँ से चलना तो आपको है ही अगले महीने। विजय, असल में बात ये है कि इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है मेरी, लेकिन खूब तुमने इतने कम समय में इतना सारा मामला जो है वो लोगों के सामने रखा। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हें अभी ऐसी प्रेरणा हुई? ऐसा क्यों हुआ कि इतिहास की इतनी महान धरोहरें जो हैं इतनी नज़दीक होते हुए हमारी आँख से ओझल रही हैं? ये हमारा अकेला आलस्य नहीं है। बात यह है कि कभी कभी किसी जातीय परंपरा का इतिहास बोध ही जैसे सो जाता है। वे दुर्भाग्य के दिन होते हैं, मुझे लगता है कि उसके जागने का मुहूर्त भारत के लिए दस्तक दे रहा है, सारे देश में होगा। और लोग कहेंगे क्या हो गया था हमारी आंखों को, हम अपना पड़ोस नहीं देख पा रहे थे। दरअसल जो अपने आप को नहीं देख पाते हैं वो पड़ोस भी नहीं देख पाते, वो धरोहर भी नहीं देख पाते, वो अपना उत्तराधिकार भी नहीं समझ पाते। लेकिन जिस दिन आंखें अपने को देखना शुरू करती हैं उस दिन अचानक सब चमक उठता है। वो जो हमारा था, वो जो हमारे लोगों ने रचा था, वो जो हमारी साझी विरासत है, वो जो हमारी महान संपदा है, वो जो हमारी रगों में रक्त की तरह दौड़ता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत मेहनत से ये तथ्य जुटाए हैं और इतने रोचक ढंग से तुमने इसको प्रस्तुत किया है कि मैं व्यक्तिगत रूप से और सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मिश्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। संगीत वर्मा बगल में ही हैं। संगीत, आपने राजा भोज पर काफी सालों से काम किया है, तो ये जो 12 महीने के अतिथियों की हिट लिस्ट हमने बना ली है, तो उसमें आप क्या करेंगे ये बताइए आप। मेरे विचार से तो आर्कियोलॉजिकली बहुत सारा काम हुआ है। अभी विदिशा के आशुतोष जी का नाम मैं आपको बताना भूल गया विजय जी, परसों जब अपनी बात हुई थी उन्होंने इसका डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन इस टेम्पल का स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। परंतु हाँ, एक छायाकार की दृष्टि से, एक तो जाकर के इसकी फोटोग्राफी करते हैं, एस्थेटिक फोटोग्राफी करते हैं, एक एग्जीबिशन तैयार करते हैं, ड्रोन और फिल्म कैमरों की मदद से एक मिनी एपिसोड तैयार करते हैं इसका, 3 मिनट का, 3.5 मिनट का परिचयात्मक, और उसको अंत में प्रश्नात्मक छोड़ते हैं कि इसमें लोग अब और क्या जोड़ सकते हैं। एक किस्म का न केवल आमंत्रण अपितु कुछ ऐसा 3.5 मिनट का एक मॉड्यूल जो लोगों की अलग अलग स्तर पे, अकादमिक स्तर पे अलग, टूरिज्म के स्तर पे अलग, जिज्ञासु के स्तर पे अलग, इसमें उत्सुकता जगह। शॉर्ट मूवी की बात करते हैं, शॉर्ट मूवी भी नहीं, एक 3 मिनट का मॉड्यूल बना करके जो मैं और आप जाकर ही एक दिन में बना लेंगे, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ शुरू करते हैं। क्योंकि आजकल फेसबुक पर वीडियोज और फोटोज का बहुत जमाना है, विजुअल मैटर्स, कुछ विजुअल तैयार। एनके सिंह साहब मुझे बगल में दिखाई दे रहे हैं। सर, आपसे कल लंबी बात हुई थी, आपने जो भी देखा आप भी उस लिस्ट में हैं। मैं तो जाना चाहूँगा बहुत जल्दी वहाँ पे और देखना चाहूँगा आपके साथ, आपकी नज़र से
क्या हुआ है। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि विरासत, अपनी साझा विरासत जो है उसको याद रखना, उसे सीखना और उसको लेकर के आगे बढ़ना, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उससे आपने, आप दोनों ने मिलकर बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसके लिए सब दोनों को बधाई। पूजा सक्सेना, आपने भोजपुर के टेंपल पे काफी काम किया है और आपको उदयपुर चलना है, तो कुछ आइडिया है आपके पास, अपन कुछ अच्छा वहाँ क्या कर सकते हैं? सबसे पहले डॉक्टर मिश्र और तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद। उदयपुर तो हजार साल से अपनी जगह पर है, पर हम ही उसको देख नहीं पा रहे थे। जब ये मंदिर बने तब हमने पूरी एक भूमि को पवित्र मानते हुए उस पर बहुत सी चीज़ें बनाई। इस मंदिर के भी पश्चिम उत्तर दिशा में उदयपुर समुद्र करके एक बहुत बड़ा तालाब भी है जो अब सूखा पड़ा है। इसी मंदिर की एक, ये जो बाउंड्री वॉल है इस पर मुझे एक नाकबंद, एक अभिलेख का तरीका होता है जो उदयादित्य के समय का स्पेशल है, वो मिला था, अभी पब्लिश नहीं है वो। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने, जब अंग्रेजों ने हमारी धरोहरों को संरक्षित किया तो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स को बहुत आइसोलेशन में देखा और मंदिर को या किसी भी एक स्ट्रक्चर को संरक्षित घोषित कर दिया और एक बाउंड्री में बांध दिया और डोंट टच का बोर्ड लगा दिया और हम सब ने उसको मान लिया। पर आपने उस डोंट टच और उस बाउंड्री से बाहर जाकर भी उदयपुर को देखा, वो बहुत सराहनीय है। हम सब आपके साथ हैं। मैं इंटेक संस्था से लगभग 20 साल तक जुड़ी रही और हमने भोपाल में भी बहुत जनजागरूकता अभियान किए, तो जब भी जनजागरूकता और बच्चों के बीच में जाने की बात होगी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कह रहे हैं पीछे? प्रमोद शर्मा यहाँ है क्या? लाइए। धन्यवाद। कौन कहता है कि इतिहास बोरिंग होता है, किसी को भी लगा ऐसा? कितने खूबसूरत और कितने रोचक तरीके से विजय मनोहर तिवारी जी ने और आदरणीय मिश्रा साहब ने इतना अच्छा रिसर्च किया और इतना अच्छा प्रस्तुत किया। मैं राजेश भट्ट, आकाशवाणी भोपाल से हूँ, कार्यक्रम अधिकारी। अभी पिछले दिनों तिवारी साहब से एक इंटरव्यू लिया था हमारे अतिथि कार्यक्रम में, तब चर्चा हुई थी, आपने बताया था, लेकिन तब शायद मैं नहीं समझ पाया था कि इतना ज़्यादा विशाल और इतना ज़्यादा विस्तृत और इतना रोचक चीज़ मुझे आज सुनने को मिलेगी। और मैंने तब भी अनुरोध किया था तिवारी साहब से कि इसी को यदि वो रेडियो डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमें देंगे तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ से आपको कहना चाहूँगा कि हम एक रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और उसे नेशनल लेवल पर ले जा करके प्रसारित करने के लिए कोशिश करेंगे। आप आकाशवाणी से आदेश रखें। गिरीश जी, आप 2 मिनट। सबसे पहले तो मिश्र जी और विजय भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस धरोहर से परिचित कराया। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, विजयदत्त श्रीधर जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आंचलिक पत्रकार के मंच है, हम ये कोशिश करें कि प्रदेश के आंचलिक पत्रकारों को जुटाकर और सप्रे संग्रहालय में एक वर्कशॉप नियमित रूप से आयोजित करें और उनको जागरूक करें कि वो अपने आसपास की इस तरह के की धरोहर के को देखें, उसको जानने की कोशिश करें और उसको लोगों के सामने लाएं, क्योंकि हर जगह आपका जाना संभव नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ है, जैसा आपने कहा कि आपके साथ स्थानीय लोगों की टीम ने बहुत बड़ा काम किया, तो ये कोशिश की जा सकती है कि उनको इस तरीके के काम को दिखाकर, उनको समझाकर और एक ऐसा प्रयास किया जाए कि एक अभियान के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में जो भी इतिहास या पुरातत्व बिखरा पड़ा है, जो असहेजा हुआ है, उसको सहेजने की और लोगों को सामने लाने की कोशिश हो। पत्थर बोलते जरूर हैं लेकिन उनको सुनने वाला चाहिए। आपने सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। उदयपुर से अखिलेश श्रीवास्तव आए हैं, गंजवासुदा से। दोनों ही महापुरुषों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने उदयपुर पर निगाह डाली और आज ये सब तथ्य भोपाल के और हम सबके सामने आए हैं। जैसे गंगा भागीरथी का इंतजार कर रही थी, मैं अपने इस मोह का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि भोपाल के जब
ऐसे लोग जो उदयपुर जिस परिवर्तन की बात जो रहा था वो परिवर्तन वहाँ देखा जा सकता है। ये कुछ बातें जो तिवारी जी ने बताई हैं कि चाहे वो उदयपुर उत्सव की बात हो या फिर वो जो गलियारा 10 फीट का था और अब चौड़ा होकर वो सबकी पहल से जो बासोदा के पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं, युवा बैठे हैं और जो नागरिक बैठे हैं, उन सबकी पहल से आज वो चौड़ा होकर 30 फीट का हो गया है। तो मिश्री जी और तिवारी जी ने जो एक रोड मैप बनाया है कि वो किस तरह से संवर सकता है, उसकी बातें प्रशासन तक और जिस स्तर के पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, आज संपादकगण उपस्थित हैं, यदि आपकी लेखनी से वो बातें सरकार तक पहुँचेंगी तो निश्चित तौर से उदयपुर की जो रूपरेखा है वो बदलेगी। उदयपुर उत्सव भी 10 साल पहले शुरू हुआ था और 2 एपिसोड उसके हुए, 2 साल हुआ और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं चीज़ें बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं तो स्थानों की गरिमा भी बदल जाती है, तो वही विराम हो गया। तो जिन बातों को आज तिवारी जी ने उठाया है, आप सबका यदि सहयोग मिलेगा आपकी लेखनी के रूप में, आप जिस स्तर पर आपके संपर्क हैं, तो निश्चित तौर से उदयपुर के बारे में जो हम सब बैठकर सांझे स्वप्न देख रहे हैं वे साकार होंगे। साथ ही में जो मेरा एक प्रस्ताव है जो मैंने आदरणीय तिवारी जी के सामने और मिश्री जी के सामने भी रखा था कि जैसी कथा उदयपुर की यहाँ हुई है वैसे ही इसका एक एपिसोड करने की कोशिश तो ये थी कि वो पहले हो जाता पर वो हो नहीं सका उसके पहले, चूँकि कोरोना से संबंधित कुछ चीज़ें फिर दोबारा शुरू हो गई, तो एक कथा उदयपुर की बासोदा के लोगों के सामने भी आए तो उसका प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने सहमति पहले से दी तो वो हम सब मिलकर जो बासोदा से आए वहाँ एक करें ताकि लोगों के सामने वो आए, और ऐसा ही विदिशा में भी एक कार्यक्रम, इस तरह से 2 कार्यक्रम करने की हमारी योजना है कि वो हो सके तो जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने वो बातें आ जाएंगी जो आज तक ढकी हुई थी, छुपी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समापन की तरफ बढ़े। एक बहुत लाजवाब चीज़ मैं आभार के तौर पे उदयपुर से लाया हूँ और वो मेरे पास है। ये अंतिम स्पर्श आप लोग करेंगे इसका। मैं डॉक्टर संजना शर्मा, प्राध्यापक इतिहास विभाग, नूतन गर्ल्स कॉलेज भोपाल से। मैं डॉक्टर सुरेश मिश्र सर से जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने जब भी मुझे व्यक्तिगत ये जानकारी दी किस तरह का आयोजन होने जा रहा है तो मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं आ पाती तो मैं पता नहीं क्या क्या खो देती। आप सर, आप और तिवारी सर और आपके पूरे जो भी साथी हैं सभी को बहुत साधुवाद, और आपने इतना अमूल्य कार्य किया है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश में इस तरह का एक समृद्ध इतिहास को हम गौण पाते हैं, बस ये मानते हैं कि अगर मंदिर है तो साउथ में है, तो इस तरह का एक मानसिकता जो राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है वो वास्तव में ये इतिहास लाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं जो अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी वो ये कि हमारे महाविद्यालय में हम लोग इतिहास विभाग से छात्राओं को लेकर आते हैं, तो उदयपुर भी जाते थे हम लोग मंदिर में, लेकिन अब यहाँ पर हम क्योंकि हम लोग उत्खनन कार्य के लिए भी आशापुरी वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर हम लाना चाहेंगे अपने यहाँ के विद्यार्थियों को। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैं वहाँ के निवेदन करूँगी कि जैसा आपने बोला कि वहाँ पर चित्र वहाँ के बनाए जाए और उनकी प्रदर्शनी लगाई जाए, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में प्रयास करूँगी। धन्यवाद। मैं तिवारी जी और मिश्रा जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं उदयपुर मंदिर के पास ग्राम पंचायत बुआरा की सरपंच रही हूँ और मैं वहीं निवास करती हूँ। मुझे जब ये कार्यक्रम, मेरा भतीजा भोपाल में रहता है तो उसने आपकी पेपर न्यूज और वो भेजी तो मैं आई वहाँ के ग्राम नरोदा, गांव नरोदा। और जो भोपाल के डॉक्टर बीएस यादव हैं, मैं उनके छोटे भाई की वाइफ हूँ, तो भोपाल में भी मेरे रिलेशन रहते, मैं गांव पे रहती हूँ फार्म हाउस पे। और आपने जो काम किया है ये तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। जब हम हर सोमवार मंदिर दर्शन करने जाते हैं हमारे लिए तो लोकल जैसा है, आपने सब दिखाया और इस लेवल पे दिखाया और आप ले जा रहे हैं, मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही हूँ। और आपसे मैं और कहती हूँ कि जैसे जिस चीज़ का समय आता है, अब वो रास्ता भी उन्होंने बताया श्रीवास्तव को काफ़ी चौड़ा हो गया है, देखिए अब समय कितना अच्छा उदयपुर मंदिर के लिए आ रहा है कि जो जाने का रास्ता नहीं था वो भी अब काफ़ी चौड़ा हो गया।
आपने भी इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाया, आप इसे ऊपर भेजेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे और टीवी पे भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार, और हम चाहते हैं इस चीज अच्छी, इस जगह का ऐसा नाम हो कि हमारा उदयपुर पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित हो और उस एरिया का नाम, और वहां से आप जब भी जहां से कुछ भी लोग जाए, जिस तरह की मदद की सरपंच के नाते मैं समाज से सोशल वर्क भी करती हूँ, और जैसी भी जरूरत है आप मुझे बताएं, मैं आज आपसे कॉन्टेक्ट नंबर लूंगी और जब भी आप लोग जाए मैं वहाँ उपस्थित होंगी मंदिर में और मैं आपकी मदद करूँगी। मैंने कहा कि जब हम इतिहास से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो इतिहास हमारा पीछा करता है, ये कुछ ऐसी घटना है। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिया है हेरिटेज वॉक का, हम आपको बड़ा सहयोग करेंगे चल के, और वहाँ पर जो विद्यार्थी है जो भी आएंगे उनको वहाँ के प्रतिमा विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी उस तक में दूंगा। डॉक्टर नारायण व्यास हैं और देश के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और पाटन की जो रानी की बाव है वहाँ से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था ग्राउंड पर। श्रीधर जी, इस सभागार में जितने भी महानुभाव विराजमान हैं मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कल जब मैंने पूछा विजय राय से कि तुम ये बताओ किन लोग बुलाया और आएंगे कौन कौन लोग, तो वो समझ गया कि मेरे मन में चिंता क्या है। मेरे मन में चिंता ये थी कि इस तरह के विषयों में लोगों की रुचि नहीं होती, लेकिन आज जिस तरह की जागरूकता परिचय आप लोगों ने दिया है इसके सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र तो आप हैं, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं में बड़ा समुदाय बन रहा है जो ऐसी अभियान के लिए बहुत जरूरी होता है। मित्रों, जो बात तो मुख्यतः कहने की है, एक तो गिरीश जी ने बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा है और हम कोशिश करेंगे कि मार्च के बाद कभी वो वर्कशॉप यहाँ रखेंगे, क्योंकि उस वर्कशॉप का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो होगा जो डॉक्टर सुरेश मिश्र जी पूरा कर सकते हैं, नारायण व्यास जी पूरा कर सकते हैं, वो ये कि ऐसे ऐसे सवाल जब भी उठे, ऐसे विषय जब भी सामने आए, तब उसमें उसके प्रमाणीकरण की, तथ्यान्वेषण की, प्रमाणीकरण की, क्योंकि इसमें जोश की जरूरत नहीं होती, होश की जरूरत होती है। सारे तथ्य जुटाए जाएँ, उनके पूरे प्रमाण इकट्ठे किए जाएँ, सारे तथ्य इकट्ठे किए जाएँ और उसके आधार पर जन सहयोग प्राप्त करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो तिवारी जी ने और मिश्र जी ने उदयपुर में करके बताया है। तो हम सब लोग इस अभियान में साथ रहेंगे, हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, दुर्भाग्य से हम उस पर कभी देख नहीं पाए और हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं जिनमें गर्व करने के लिए शर्म करने की जरूरत होती है, हम उनमें तो लगे रहे, लेकिन जो हमारा सचमुच जो हमारा अतीत है वो केवल अतीत नहीं है, वो हमारा वर्तमान भी है, वो हमारा भविष्य भी है, और उसकी तरफ ये जो जागृति आप पैदा कर रहे हैं, मिश्र जी आपको और विजय भाई आपको और आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग यहाँ आज कार्य दिवस है, ऑफिस का टाइम है, ऑफिस छोड़कर आए हैं। हेमंत मुक्तिबोध जी हमारे बीच में हैं, मैं चाहूँगा 2 मिनट आप कहें, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जो भी कुछ अच्छा बेहतर करेंगे, आप लोग बड़ा ग्राउंड पे काम करते हैं तो कुछ आपके कीमती सुझाव हमें मिल जाएंगे। सभी को नमस्कार। अब सुझाव तो आपने खुद ही अपने चिंतन से और अपनी कल्पनाशीलता से इतनी अच्छी कार्य योजना बना ली। विद्वानों की सभा में चुप रहना ये विद्वत्ता का नहीं कम से कम लेकिन बुद्धिमानी का लक्षण तो होता ही है, इसलिए मैं तो चुप ही बैठना चाहता हूँ। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विजय जी आपने हाथ डाला था और उसको एक तार्किक परिणति तक जाने की या ले जाने की स्थिति बनती हुई हमको दिख रही है। मुझे लगता है कि भोपाल के अंदर इस प्रकार के ये सारे जो विषय हैं इन विषयों पर और अधिक सक्रिय चिंतन की ज़रूरत है, और अपने पास इतने निकट के स्थान के ऊपर ये इस प्रकार का सारा एक चित्र हम सब लोगों ने देखा है। अभी जैसे कौन सा गांव दीदी, नोवेदा, वहाँ की जो पूर्व सरपंच यहाँ पर आई, मैं पीछे हूँ आपकी जी, तो उन्होंने कहा कि इन सारे दृश्यों को तो हम रोज़ ही देखते हैं, बस बात केवल इतनी है कि जो हम रोज़ देखते हैं उसमें देखना क्या चाहिए ये दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर इतिहास के कई सबक हमको दिखते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से ये दृष्टि और कबीर जी ने जिस इतिहास बोध की बात की थी वो इतिहास बोध, तो ये इतिहास दृष्टि। 2 मिनट। जिस मलूकचंद जैन के घर का उल्लेख किया था, जो एक टीले के अंदर से निकला था, उस टीले के अंदर से जो सामान निकला था जिसका बहुत सारा कबाड़ी को बेच दिया गया, उसमें ये वीणा के एक टुकड़ा है जो पता नहीं कब से उस टीले के अंदर के उस कमरे में दफन था, और जब वो रहने के लिए उन्होंने ये अब
अपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये लकड़ी लोहे का जो भी सामान था वो किसी काम का नहीं था। अब हम नहीं जानते कि ये कितनी सदी पुराना इसका इतिहास है, लेकिन ये वीणा का कोई और ये वहाँ मंदिर के पास में है, तो इसका मतलब वहाँ कुछ ऐसा संगीत का कुछ कुछ विधान रहा होगा कि वहाँ संगीतज्ञों की कोई टोलियाँ काम करती होंगी। और ये पता नहीं कब से कैसा है, उस दिन हम जब वहाँ गए तो प्रवीण शर्मा जी ने ये अंदर से निकाल के उनकी अनुमति से हमको स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया और बसंत पंचमी का दिन था। धन्यवाद, हम चलेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ कोई अगला कार्यक्रम भी है, तो जीवन की यात्रा ऐसी चलती रहेगी और हम फिर किसी मोड़ पे मिलेंगे।